यार क्या भाई, आवाज ही नहीं आई यार। क्या भाई अरे यार, एनर्जी लगा दो ना शुरू में, और आपकी एनर्जी दिखाई ना दे, आपकी एनर्जी सुनाई ना दे, बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे यार, ये कह रहा था कि यार 2 दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों के साथ, शेड्यूल सेट नहीं था इसलिए हम लोग कोई लाइव स्ट्रीम कर नहीं रहे थे। फाइनली आ गए हैं, जगह बदल ली है। जो जगह पे कंप्यूटर जी बैठते थे वहाँ अब मैं बैठता हूँ, जहाँ मैं बैठता था वहाँ कंप्यूटर जी बैठते हैं। और अब मेरे पास अच्छा खासा यहाँ पर एक स्पेस हो चुका है ताकि हम लोग वीआर का गेम खेल सकें। तो ये एक हमें फायदा हो चुका है कि हम लोग इसको खेल सकते हैं। भाई अब तो आ गई ना आवाज, अब तो आ रही है ना, या अभी भी नहीं आ रही? अभी भी आवाज नहीं आ रही यहाँ पे? क्या कह रहे हो भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, आ रही होगी भाई आवाज कि अभी भी नहीं आ रही? भाई रुको, मैं ही देखता हूँ यार। आप लोग उल्लू बना देते हो मेरे को, मुझे चेक करने दो। अभी भी हाय हेलो आ रहा है, लेकिन आ रही है ना? आ रही आ रही, अभी भी नहीं आ रही? आ रही आ रही आ रही भाई, ठीक है मैं खुद ही देख सकता हूँ, तो आ रही है यहाँ पे। बढ़िया भाई, तो आज का प्लान क्या है? आज हम बनाने वाले हैं गुजरात टाइटन की टीम और गुजरात टाइटन्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। प्लेइंग 11 बनाएंगे और प्लेइंग 11 का मैच रखेंगे। जेसन रॉय बाहर आ चुके हैं, हल्की फुल्की कहीं से न्यूज आ रही है कि शायद सुरेश रैना, शायद 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 सुरेश रैना गुजरात टाइटन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन ये अफवाह ही है और ये अफवाह सुरेश रैना के फैंस ने ही फैलाई है शायद, या जो भी है। अभी तक ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है कि रैना इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे कि नहीं इस बार, लेकिन ठीक है, हम लोग अपनी टीम बनाते हैं, शुरू करते हैं गेम प्ले आज का, उस हिसाब से सब सेट होता रहेगा। तो ये आ गई है स्क्रीन। मैं सबसे पहले बता दूं आपको, अगर टीम डाउनलोड करनी है, लेटेस्ट टीम डाउनलोड करनी है गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो आपको ब्राउज कम्युनिटी पे जाना है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे निचले हिस्से पे, ब्राउज कम्युनिटी पे जाना है, सर्च कम्युनिटी करनी है। सेकेंड ऑप्शन में आपको टीम चुनना है, उसके बाद टीम नेम में जाके लिखना है गुजरात। और ये तो सबको मालूम है, ये तो सब लोग करते हैं, असली ट्रिक यहाँ पे आती है। आपको मैक्स एज पे जाना है और एक हफ्ते की टीम डाउनलोड करनी, एक हफ्ते की टीम करनी है और डाउनलोड के हिसाब से शॉर्ट कर देना और एंटर मार देना है। तो जो टीम अभी आएगी मैं बता दूं मैंने कौन सी टीम डाउनलोड की है, तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद सर्च कर देना है, सर्च करने के बाद आपके सामने 2 टीमें आएंगी जो पिछले एक हफ्ते में तैयार की गई हैं। मेरे हिसाब से वही टीम सबसे बेस्ट है, वो दो दो में से तो एक तो एकदम बेकार है, एक अच्छी है जो मैंने डाउनलोड किया। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे गुजरात टाइटंस विजार्ड गेमिंग के द्वारा बनाया गया टीम है, उसको आपको जाना है और उसको डाउनलोड करना है। मैं कर चुका हूँ, मैं आपको रोस्टर दिखा देता हूँ, इस तरह का कुछ है। तो सही है भाई, ये सही है। तो ये वाली हो गई गुजरात टाइटंस, ठीक इसी तरह से लखनऊ में करना है। यहाँ पर जाना है टीम नेम में, लखनऊ सर्च करना है, लखनऊ के बाद 1 वीक रखना है और सर्च मार देना है, आपका काम हो जाएगा वहीं से। ठीक है, और लखनऊ में भी 2 टीमें आएंगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी टीम डाउनलोड करना चाहते हो। मैं बताता हूँ मैंने कौन सी टीम डाउनलोड की है,
सबसे पहले मैंने क्या किया, रोस्टर में गया। मैं रोस्टर में जाने के बाद केएल राहुल का चेहरा चेक किया, ये चेहरा मुझे सही नहीं लगा। ये ऐसे तो ठीक लग रहा है, लेकिन मैंने ये वाली टीम डाउनलोड नहीं किया, मैंने दूसरी वाली टीम डाउनलोड की। इसमें कुछ और चेहरे भी देख सकते हो आप, जैसे कि मनीष पांडे का चेहरा, ये तो सेम ही है। ठीक है, तो मैंने ये वाली टीम डाउनलोड की है जो कि स्वैगी ने बनाई है। तो स्वैगी वाली बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसको आपको रोस्टर पे जाना है, और रोस्टर पे जाके आप केएल राहुल का चेहरा देखेंगे। मुझे लगा ये चेहरा ज़्यादा सही है, तो मैंने ये वाली टीम डाउनलोड की है, स्वैगी ने बनाई है ये टीम। तो इस तरह से आप दोनों टीमें डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आ जा रहा हूँ मेरी टीम 11 पे। एक टीम बना रहे हैं हम लोग जो कि गुजरात T20 आज का हिस्सा बनेगी, मैनेज स्क्वाड। ठीक है, लाइन अप IPL 22 ये हम सेट करेंगे। अब शाउट आउट ले लेते हैं फटाफट। आप लोग अपनी शेयर योर प्लेइंग 11, जो आपको लग रहा हो कि इस नंबर पे बंदा बिल्कुल सेट होगा उसी का नाम बोलना। जैसे कि आप बोल दो शुभमन गिल ओपनिंग करेगा, तो आप लोग ऐसे कमेंट करना जो मुझे समझ में आए। आप ये भी कह सकते हो कि रिद्धिमान शाह कीपिंग करेगा, नंबर 6 पे बैटिंग करेगा, तो ऐसे सजेशन देना ताकि मैं उसको रिएक्ट कर पाऊँ। ऐसा मत बोलना कि डेविड मिलर को ले लो, तो ऐसे कमेंट का मतलब नहीं कुछ मेरे लिए, क्योंकि मुझे लेना तो है ही भाई। लेकिन एक सेकेंड, यस चलो नाम ले रहे हैं हम लोग। सबसे पहले पांच लोग कौन जुड़े हैं, सबसे पहले पांच लोगों में हैं पैरो मनुष्य, कुणाल गुप्ता, देव फर्नांडिस, मास्टर गेमर JK और आशा सिंह। ये हैं हमारे टॉप 5 बंदे जो सबसे पहले लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं। उसके अलावा दिव्यांशु, अरिजीत, वगाशिया, अभिषेक, समचुज, फैब, देव, अरिन जॉय, माया, अजय भाई, प्लीज़ लाइक कर देना। एक रीज़न ये भी था लाइव स्ट्रीम ना करने का कि रिस्पॉन्स सही नहीं मिल रहा था लाइव स्ट्रीम को। ये भी एक रीज़न था कि मैं अवॉइड कर रहा था स्ट्रीम, क्योंकि मैं अगर एफर्ट डाल रहा हूँ 2 घंटा 3 घंटा, 500 लाइक भी नहीं हो रहे हैं, 600 के लिए भी होना पड़ रहा है। तो ये एक रीज़न था कि जिसके यहाँ रिस्पॉन्स कम मिल रहा था, तो मैं उस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर ले रहा था। अजय पराशर, आशीष शाहू, हैप्पी मी, गैलेक्सी गेमिंग, दिव्यांशु कोठरियाल, रोहित कुमार, बिशांत, गॉड ओपी, तनुष भरवाड, आशीष, सौम्यदीप, आयुष, गैलेक्सी, मयाल, स्कॉटिश, आराध्या, आशीष चैनल, गैलेक्सी गेमिंग, मन मोइनुद्दीन, स्कॉटिश, ओजस पटेल, फातिमा, दर्श, संचित, उसके अलावा हैं दीपांशु, राहुल, मीत, मुकेश, ICC, कुणाल, और कौन भाई, साई आते हुए यहाँ पर, उत्कर्ष तो हैं ही पहले से, कमल, जगप्रीत बाजवा, ठीक है, साई बफ, एज ऑल टाइम पीस, मानव दास, ठीक है भाई मैं ऑलमोस्ट ख़त्म कर रहा हूँ। शॉर्ट आउट क्रिकेट ब्लेज, अरविंद, कुशाग्रा, कृष्णा, गॉड फिटेक्स, फिल्टेक्स, क्रिकेट लाइव, ऑल इन वन, शेख, डन 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 भाई डन। पहले हम गुजरात टाइटन की टीम कर रहे हैं। सजेशन एक आ रहा है कि मैथ्यू वेट को जगह मिलना, कमेंट आ रहा है, ठीक है, जो कमेंट मैं वही कमेंट पढ़ रहा हूँ, फिर से बता दूँ जो ऑर्डर के हिसाब से आई हैं, वो कमेंट नहीं पढ़ रहा जो विदाउट ऑर्डर है। तो मैं आपको बता दूँ, पहले मैं एक प्लेयर को ऐड करूँगा इस गेम में, वो है सुरेश रैना। आज सुरेश रैना खेल रहे हैं हमारी टीम में, इफ़ सुरेश रैना प्लेस इन द गेम तो क्या होगा। रैना पता नहीं डाउनलोड किया है कि नहीं, है सुरेश रैना है, ठीक है, डन कर दिया। ठीक है, लाइनअप्स, ठीक है, जेसन रॉय नहीं खेल रहे, पता नहीं क्यों मुझे जेसन रॉय का सजेशन आ रहा है, जेसन रॉय तो खेल ही नहीं रहे भाई। ठीक है, एक कमेंट बहुत अच्छा आ रहा है, शुभ ने कमेंट किया है, कह रहे हैं कि रिद्धिमान साहा कैन ओपन द इनिंग, भाई बहुत अच्छा। मनीष पांडे को वो 3 डाउन कह रहे हैं, भाई ऐसी कमेंट होनी चाहिए। देखो शुभ ने कितना सही लिखा है, शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा, सारा उन्होंने बैटिंग ऑर्डर बता दिया, मार्कस टॉयनिस, डेविड मिलर, दीपक हुडा, कुणाल पंड्या, अच्छा हार्दिक पंड्या लिखना चाह, अबे ये कौन सी टीम है ये दीपक हुडा तो है ही नहीं भाई इसमें। रिद्धिमान साहब ओपनिंग कर रहा है भाई, ठीक है, विकेट कीपर के रूप में भी सेट है, जेसन रॉय बाहर हो रहे हैं पहले ही बता दूं मैं। सुरेश रैना को नंबर 3 पे रख रहे हैं, कमेंट आ रहा है सुरेश रैना नहीं है भाई, लेकिन आज हम लोग ऐसा समझ के खेल रहे हैं कि सुरेश रैना गुजरात टाइटन्स का हिस्सा बनेंगे। रशीद नंबर 7 पे कह रहे हैं, ठीक है, रशीद नंबर 7 पे रख रहे हैं हम लोग। कमेंट आ रहा है डेविड मिलर को जगह मिलेगी, भाई देखो फॉरेन प्लेयर कौन है, एक लॉकी फर्ग्यूसन हो गए, एक हो गए रशीद खान, एक हो गए वेड, तो वेड को निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, राहुल तेवटिया नंबर 5 पे आ रहा है, ठीक है, मैथ्यू वेड भी कर सकता है, मुझे लग रहा है मैथ्यू वेड को मिलेगी कि नहीं जगह पता नहीं भाई यहाँ पर,
कह रहे हैं एलएसजी के लिए कमेंट किया भाई, एलएसजी मेरे दिमाग से आ नहीं है, शुभमन गिल नहीं है, पता नहीं कहाँ से वो एलएसजी कर दिया उन्होंने। हार्दिक पंड्या को मैं रख रहा हूँ नंबर 6 पे, अभी नंबर 6 पे रख रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा होगा तो नहीं क्योंकि राहुल तेवतिया के बाद ही आएंगे, तो मैं नंबर 5 पे रख रहा हूँ। मैं सुरेश रैना को नंबर 3 लग रहा हूँ यहाँ पे, विजय की जगह डेविड मिलर। भाई ठीक है, मान लो मैं मैथ्यू वेट को निकाल के डेविड मिलर को इन कर रहा हूँ नंबर 4 पे, तो मेरे 3 फॉरेन प्लेयर सेट हो गए हैं, डेविड मिलर, रशीद खान और लॉकी फर्ग्यूसन। डोमिनिक ड्रैक्स, जेसन रॉय है नहीं तो पत्ता कट है। मैथ्यू वेट को मैं आज नहीं खिला रहा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर। और कोई अगर आप देखते हो, अलजरी जोसेफ का ऑप्शन है, नहीं भाई फर्ग्यूसन ठीक है अभी। भाई ठीक है, मैं लखनऊ वालों वेट कर लो भाई थोड़ी देर। मिलर 5 पे खेलेगा, शंकर को नंबर 4 पे रखने को कह रहे हैं, विजय शंकर को भाई नंबर 5 नंबर 4 पे, ठीक है। तो हार्दिक पंड्या की जगह ला दो मिलर को, तेवतिया की जगह ला दो, सिंपल है भाई ठीक है। मैथ्यू वेट नहीं खेल रहे भाई, रॉय को निकालना है, सुरेश रैना को लेना है, रैना की जगह भाई मिलर आए हैं, नहीं रॉय की जगह मिलर आए हैं, तो फंडा क्लियर है यहाँ पे। रशीद खान हो गए, राहुल तेवड़े, मुझे लग रहा है टीम सेट हो गई मेरी, मुझे दिक्कत नहीं लग रही यहाँ पे। कमेंट नहीं भाई, गेल और सहा ही ओपनिंग करेंगे ये पक्का हो गया। मेरा बता दूँ कौन कौन सा ऑर्डर सेट है यहाँ पे, ठीक है। शमीन ठीक है भाई नंबर 11 पे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप नंबर ओपनर को छोड़ के सारा बैटिंग ऑर्डर बदल सकते हो, हम तो प्लेइंग 11 चुन रहे हैं भाई, मेरे ख्याल से सही है ये टीम। स्पिनर की अगर बात करते हो, मेरे पास तेवतिया हो गए, रशीद खान हो गए, जयंत यादव भी हो गए, तेज गेंदबाजों में शमी हो गए, फर्ग्यूसन हो गए, और साथ ही साथ मुझे मदद मिलेगी हार्दिक पंड्या की, तो 3 तेज गेंदबाज हो गए, विजय शंकर मीडियम पेसर हैं भाई, मुझे तो अच्छी लग रही है टीम। अगर आप सिर्फ वो देखते हो, क्या कहते हैं, बैट बॉलिंग बॉलिंग डिपार्टमेंट का बैलेंस देखते हो, काफ़ी सही है भाई यहाँ पे। और उसके अलावा आप देखते हो बैटिंग में तो शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा, सुरेश रैना आज खेल रहे हैं, मैं पहले बता दूँ, रियल में अभी कन्फर्म नहीं है, हमारे आज के लाइव स्ट्रीम में सिर्फ कन्फर्म है। तो मैं भाई आगे कर रहा हूँ तेवतिया को, अरे हाँ तेवतिया ऊपर आएंगे, सॉरी तेवतिया नंबर 7 तक ठीक है। अब एलएससी को सेट करते हैं यहाँ पे, एक मिनट, लखनऊ सुपर जाइंट्स लाइनअप्स, आईपीएल लाइनअप कुछ ऐसी है भाई। केएल राहुल फॉरेन प्लेयर कौन है, क्वेंटन डिकॉक है, मार्कस टॉइनिस हैं, जेसन होल्डर हैं, अरे कितने सारे फॉरेन प्लेयर हैं, मार्क वुड को भी डाल दिया है, ठीक है ज़्यादा हो गया ठीक है। मैं बाहर कौन कौन है वो देखें हम लोग, तो ठीक है मार्क वुड भाई, एलएससी की तरफ आ गए हम लोग। कमेंट आ रहा है काइल मायर को जरूर लेना, मैं पहले ही कह रहा हूँ ऐसे कमेंट मत करो, कहाँ रखना है वो बताओ मुझे ठीक है। डिकॉक और काइल ओपनिंग करेंगे भाई, मुझे नहीं लग रहा, मैं राहुल और काइल के साथ ही जा रहा हूँ, राहुल और डिकॉक के साथ जा रहा हूँ, ये तो कंफर्म है भाई मेरे ख्याल से। अच्छा हाँ, 4 फॉरेन प्लेयर ले सकते हैं, मैं पता नहीं क्यों 3 लेके बैठा हूँ भाई, सॉरी एक मिनट। विराट रेहान स्पैम कर रहे हैं भाई, ठीक एक सेकंड पहले मैं इसको सेट कर दूं, 4 फॉरेन प्लेयर हैं सही है, मैं पता नहीं क्यों 3 लेके बैठा हूँ यहाँ पे। मैं गुजरात की टीम से खेलूँगा, यस भाई स्पैम मत करो, पहले मैं हटाऊँगा आपको 5 मिनट के लिए ठीक है। और लोग भी हैं भाई, मैं और लोगों की कमेंट पढ़ लूँ पहले, यही 11 बेस्ट हैं ठीक है। ठीक है मैं और हटाऊँ, कायल को नंबर 3 पे फिट करो, तो मनीष पांडे हटेंगे ठीक है। एक सेकंड, मैं अभी के लिए मार्क वुड रहेंगे क्योंकि बॉलिंग लाइनअप मुझे बहुत वीक लग रहा है, तेज गेंदबाजी लाइनअप लखनऊ का, मतलब मार्क वुड ही हैं, तो ठीक है मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर मार्कस टॉइनिस को निकाल रहा हूँ और ले रहा हूँ काइल मेयर्स को। कमेंट चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, सब बहुत सारे लोग चाहते हैं काइल मेयर्स को आज खेलने की जगह मिले, तो वो मैं सेट कर रहा हूँ। केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, काइल मेयर्स, मनीष पांडे, दीपक हुडा और एक सेकेंड कुणाल पंड्या तो हो ही गए हैं नंबर 6 पे, जेसन होल्डर ठीक है, हाँ ठीक है जेसन को ऊपर भेज रहा हूँ, एक्सपीरियंस मायने रखता है भाई। कृष्णप्पा गौतम नंबर 8 पे, मार्क वुड नंबर 9 पे, 10 पे बिश्नोई है। तेज गेंदबाजी लाइनअप अवेश खान और मार्क वुड के साथ है, फिर उसके बाद जेसन होल्डर मुझे मिल रहे हैं ऑलराउंडर के रूप में, स्पिनर में मेरे पास कुणाल पंड्या है, कृष्णप्पा गौतम है और रवि बिश्नोई है। सही है भाई, ये भी बहुत अच्छी लग रही है टीम, है ना। दीपक हुडा को 7 पे रखने को कह रहे हैं भाई। आज ऐसा रहा तो दीपक हुडा और
कृणाल पंड्या दोनों साथ में आ जाएंगे, मेरे को बोलना मत फिर आप लोग, तो ज़्यादा हो जाएगा फिर। स्टॉइनिस के लिए जगह नहीं बन रही भाई। क्वेंटन डिकॉक कीपर है, ठीक है भाई। दीपक हुडा नंबर 4, भाई ठीक है, दीपक हुडा जिस नंबर पे है ठीक है, 6 पे नहीं, मैं 5 पे रख देता हूँ, मेरे को भी लग रहा है 5 तक ठीक है वो। स्टॉइनिस की जगह नहीं बन रही भाई आज के मैच में, स्टॉइनिस बाहर रहेंगे, जेसन होल्डर को ज़्यादा रखा है मैंने प्रेफरेंस, तो ठीक है। एलएसजी की बेस्ट टीम है, ये कमेंट आ रहा है ठीक है। एक बार हम गुजरात चेक कर लेते हैं, गुजरात में एक और फॉरेन प्लेयर सेट हो सकता है अगर हम चाहें तो, उसके लिए मुझे अबे अलजरी जोसेफ क्या कर रहा है बीच में, अच्छा ये लाइनअप है ना। कौन बाहर है पता है इसमें, फॉरेन में, फॉरेन में मैथ्यू वेट बाहर है, तो भाई ऐसा कर सकते हैं हम लोग, रैना को निकाल सकते हैं, मैथ्यू वेट को ला सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है भाई, अभी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि सुरेश रैना शायद खेलेंगे गुजरात टाइटंस में से, ये अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है लेकिन ऐसे उड़ती उड़ती हवाएं आ रही हैं, उड़ती उड़ती न्यूज़ आ रही हैं कि सुरेश रैना शायद गुजरात टाइटंस में से खेल सकते हैं, तो यही रीज़न है कि मैंने उनको टीम में जगह दी है यहाँ पर। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं मैथ्यू वेट को रख सकता हूँ रैना की जगह, तो होगा ये कि नंबर 3 पे मतलब ऑर्डर बदल जाएगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही, पर चांस हैं भाई हैं, ये चीज़ हो सकती है यहाँ पे। मेरे को लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है यहाँ पे कि आप सुरेश रैना को खेलते हुए देख सकते हो। ठीक है मैं रख रहा हूँ भाई, रहने दो नहीं हटाना, सुरेश रैना इज़ फाइन यहाँ पे। ठीक है ठीक, लेट्स प्ले भाई, लेट्स प्ले, क्विक मैच करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक मैच किया था पर खाली रिकॉर्डिंग के लिए था और कुछ नहीं यहाँ पे। एक सेकेंड, ये मैच डिलीट करेंगे, क्रिएट न्यू मैन्स मैच, ऑलरेडी सेट ही है सब कुछ, गुजरात टाइटंस वर्सेस। ठीक है अब एक कन्फ्यूज़न मेरे को है, मैं T10 खेलूँ कि T20 खेलूँ। T10 खेलेंगे तो एक चीज़ ये हो सकती है, T10 मतलब एक मैच में गुजरात बन के खेलूँगा, एक मैच में लखनऊ बन के खेलूँगा अगर T10 खेलते हैं। T20 खेलेंगे तो गुजरात बन के खेलने वाले हैं ये पक्का है। तो बताओ भाई क्या किया जाए यहाँ पे, क्या किया जाए भाई, मैं मतलब अभी ऑप्शन है मेरे पास, रुको मैं बाकी की चीज़ें इसमें सेट कर दूँ, तब तक आप लोग तब तक कमेंट करके बताना। खेलेंगे हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे ही, फॉर्मेट अभी आप लोग बताओगे क्या है, डिफ़िकल्टी रहेगी यही जो हमने रखी है हर बार। बाकी मैच सेटअप में बारिश हटा दे रहा हूँ मैं, ज़रूरत नहीं है, एम्पायर देख लेते हैं क्या आता है। कमेंट आ रहा है T20 ही खेलो, ऑलमोस्ट मतलब वही कंफ्यूजन बना हुआ है, मैं तब तक बाकी की चीज़ें कर लूँ भाई। कई लोग T10 भी कह रहे हैं, कई लोग T20 भी कह रहे हैं, मैं बता दूँ अगर T10 खेलते हैं तो 2 खेलेंगे, T20 खेलते हैं तो 1 खेलेंगे, T10 खेलेंगे तो दोनों टीमों से खेलने का मौका मिलेगा, T20 खेलेंगे तो भाई ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, मतलब T20 खेलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गुजरात से खेलने का मौका मिलेगा। कन्फ्यूज़न तो बहुत बड़ा वाला है यार। कमेंट आ रहा है पोल कर दो, चलो पोल बनाता हूँ मैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पोल में, विच टू चूज, विच मोड टू प्ले, ये आज का पोल है हमारा और इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है T20 विद गुजरात, और अगला ऑप्शन है T10 वन विद GT वन विद LSG। चलो भाई देख लेते हैं क्या पोल आता है, तब तक आप लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ आज लोग बहुत एक्साइटेड हैं RC20 के ट्रेलर के लिए, भाई मैं भी एक्साइटेड हूँ लेकिन बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं कैसा आएगा क्या आएगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं भाई घड़ी घड़ी देख रहा हूँ कि आज 7 बजे आएगा, क्योंकि उन लोगों ने भाई मतलब डेवलपर ने काफ़ी वक्त लगा दिया है तो एक्साइटमेंट मर चुका है। हाँ ट्रेलर आने के बाद एक्साइटमेंट बनेगा, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हूँ कि अरे यार जल्दी 6 बज जाए यार, जल्दी 6 बज जाए ऐसा नहीं है, पर हाँ अच्छा होगा, ट्रेलर अच्छा होगा, मस्त होगा, एक्साइटेड हैं हम लोग, लेकिन पागल वाला एक्साइटेड नहीं है जो पहले हुआ करता था। अगर यही 1 साल पहले आने वाला होता तो बहुत एक्साइटमेंट होता, जो इन्होंने पहली बार ना मतलब लेट करते गए यहाँ पर, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। तो RC22 का भाई ट्रेलर आएगा, मैं कोशिश करूँगा रात को वीडियो करने की, अगर बन पाता है तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर। और हाँ भाई मेरा हमारा करियर मोड का लाइक गोल अटक चुका है, तो पहले ही मैं बता दूँ आपको,
क्रिकेट 22 का करियर मोड पता नहीं कब आएगा भाई यहाँ पे। कई लोग कमेंट कर रहे हैं आरोन फिंच को भी लिया जा सकता है, ये भी ऑप्शन है। अब देखो भाई क्या होता है, किसको लेते हैं वो लोग। मतलब न्यूज़ चल रही है कि ये चलेगा वो चलेगा, सब अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है भाई, भाई कस्टम मैच, कस्टम स्टेडियम है, कोई मतलब नहीं है अभी। और ऐसे भी अगर दो जगह खेलेंगे तो एक मैच काना में खेलेंगे, एक मैच हम लोग अहमदाबाद में खेलेंगे। डोंट वरी, पहले पोल का रिजल्ट तो आन दो। पोल का रिजल्ट तो कह रहा है T20 फॉर गुजरात, हो सकता है मैंने पहले ऑप्शन रखा है इसलिए जीता है। ये भी एक रीज़न है कि मैं पोल के ऊपर ज़्यादा भरोसे नहीं रहता, क्योंकि पोल में से 10% to 20% रैंडम पोल होता है, लोग पहले ऑप्शन को ही चुन लेते हैं बिना देखे ही। रैना की न्यूज़ इज स्प्रेड बाय अ फेक ट्विटर अकाउंट। भाई मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह ही रहा हूँ कि मतलब फेक न्यूज़ है, पर हम लोग खिला रहे हैं इनको। क्रिकेट 19 ने भी ऐसे ही डाउनलोड करनी है जैसे मैंने बताया पीछे। मेरी फेवरेट IPL टीम भाई अभी पता नहीं यार फेवरेट कौन सी है, अभी तो मुझे लग रहा है, मुझे लगता है पूरी पूरी टूर्नामेंट को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। पोल एंड करते हैं, T20 जीत रहा है भाई, T20 आएगा मोस्टली, वो भी बहुत क्लोज है तो सब मिक्स रहता हुआ, देखता हूँ क्या करता हूँ मैं भाई। मेरा तो ऐसा लग रहा है शायद T10 खेलने में ज़्यादा मजा आएगी, दोनों टीमों से रहेगा। 53% लोगों ने वोट दिया है T20 विद गुजरात, 46% लोगों ने वोट दिया है क्या नाम है, पर हम T10 खेलेंगे क्योंकि मुझे लगता है बहुत क्लोज रहा है, और पहला ऑप्शन होने के कारण उससे 5% माइनस करता हूँ अगर मैं तो वो घूम फिर के बराबर आ जाएगा। तो ठीक है T10 डन। और हाँ, एक मैच में मैथ्यू वेट को खिलाएंगे हम लोग, इस मैच में नहीं अगले मैच में मैथ्यू वेट हमारे सामने होंगे, तो लेट्स मैं वही सोच रहा हूँ करूँ कि ना करूँ क्लिक। लेट्स प्ले भाई, लेट्स प्ले। T10 खेल रहे हैं हम लोग, डन होता हुआ फंडा, अब आएगा मज़ा भाई। यू क्रिकेट 22 का लास्ट वर्जन कैसे डाउन पता नहीं भाई। रैना बॉलिंग भी करवाओ फिर, हाँ देखेंगे भाई रैना, एक्चुअली हाँ रैना से करवा सकते हैं बॉलिंग, पर डिपेंड करता है सिचुएशन, अभी प्लान में नहीं है, अभी प्लान में नहीं है। वीडियो की शुरुआत में आप देख लो कौन कौन प्लान में है तो आपको पता लग जाएगा, अभी प्लान में नहीं है कि रैना को मैं सोच के करूँ कि गेंदबाजी करानी ही है। आज मिला बैट के साथ रोमांच। अच्छा सुबह वाली वीडियो देख के कह रहे हैं यहाँ पे, लेट्स प्ले भाई, यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग गेम। साउंड तो अब आएगा भाई, साउंड तो अब आएगा यहाँ पे। यस भाई ये एकदम लेटेस्ट कपड़ा है, मैं बता दूँ ये ऑफिशियली कपड़ा नहीं है, आपको कपड़े का थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये जो भी बनाया है कपड़ा बहुत सूट कर रहा है लोगों पे, स्पेशली इंडिया का कपड़ा, वो तो लखनऊ का तो इतना खास नहीं लग रहा, लेकिन गुजरात का जो कपड़ा है ना मेरे को लग रहा है यही कपड़ा होगा, ऐसी फीलिंग आ रही है देख के, इतना इतना सही है और इतना लोगों पे सूट कर रहा है यहाँ पे। कैमरा ब्लर क्यों है भाई पता नहीं, मैं हटा देता हूँ रुको ना कैमरा ब्लर, मुझे लगता नहीं है कि कैमरा ब्लर करने की जरूरत है, कि रहन दो भाई कैमरा ब्लर। और एक और दिक्कत है, हाँ ये वाला हमारा रहता है, मैंने आज बदल दिया यहाँ पे। अबे यार आ जा हाथ में, क्या नाटक है। ठीक है भाई लेट्स प्ले, देखते हैं क्या आता है, कौन बनता है हीरो भाई T10 वाले गेम में। पहले हम लोग बने गुजरात, सेकंड टाइम बनेंगे हम लोग लखनऊ, तो दोनों टीम बनने का मौका मिलेगा, दोनों को टेस्ट कर लेंगे हम लोग कि इस IPL मैच में क्या परफॉर्मेंस देती है, कौन सी टीम कितना देती है, कैसा खेलती है। AB डिविलियर्स को LSG से खिलाने का एक मैच, नहीं भाई कोई इंटर कोई मतलब नहीं। सनलाइट से इंटेंशनल ब्लर हो रहा है, नहीं भाई मैंने ब्लर डाला हुआ है यहाँ पे। लेट्स प्ले, लखनऊ सुपर जॉइंट्स का कॉल आता हुआ, हेड्स का टॉस जीतता हुआ लखनऊ यहाँ पे। Day 4 सॉफ्ट ग्रासी ड्राई और हैवी क्रैक वाले पिच पे बैटिंग करने का फैसला किया है। T10 है तो भाई देखो कहाँ पे कैसे शॉट्स लगते हैं, क्या बनता है माहौल, किस तरह से हम लोग रन कर रहे हैं। एंट्री देख ले, नहीं एंट्री पता नहीं पड़ेगी कि नहीं, पढ़नी तो चाहिए। T10 है, अरे यार हाँ छोटे फॉर्मेट में नहीं पड़ती एंट्री,
ये पहले से ही नाटक है। इसमें फील्डर भी शायद आप 3 रख सकते हो, पूरे मैच में आप सिर्फ 3 फील्डर ही रख सकते हो, तो बहुत बड़े स्कोरिंग वाले मैच बनते हैं। 10 ओवर में समझो 100 रन तो बनेंगे ही बनेंगे, बाकी डिपेंड करता है कि कैसे खेल रही है टीम। फील्डिंग पहले सेट करते हैं हम लोग, स्क्वायर से हटा रहे हैं हम लोग, एक कवर में रखेंगे फील्डर। मेरे को लगता है कवर सबसे आसानी से हिट किया जाने वाला फील्डिंग पोजीशन है, एआई छोड़ेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, एक शॉर्ट कवर लगा देते हैं यहाँ पे। क्या रियल लाइफ में रैना खेलेंगे गुजरात से? भाई नो आइडिया, हमारी पहली गेंद जा रही है गुजरात टीम, मोहम्मद शमी कॉम्बिनेशन पहली बार ट्राई करते हुए। फर्स्ट बॉल बाउंड्री, T10 मैच है भाई, तो रन तो बहुत भरपूर बनने वाले हैं। पर ये मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि गैप शॉट मार के इसने निकाल दिया। टी शर्ट देख सकते हैं बदल गया है एम्पायर्स का, तो सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी 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 बदलती हुई यहाँ पे। शुभम सेन गुप्ता आते हुए यहाँ पे भाई, कह रहे हैं पेटीएम चेक करो भाई, एक सेकेंड। लखनऊ की टीम बहुत बैलेंस लग रही है भाई। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने जब टीम बनाई ना, मुझे दोनों टीमें बहुत सही लगी। अगर आप सिर्फ ये मत देखो कौन प्लेयर है, मतलब हाँ कौन प्लेयर है वो मत देखो, खाली बैलेंस देखो कि कितना 3 बैट्समैन 3 बॉलर ऑलराउंडर्स, तो कॉम्बिनेशन है। बाकी अब इतना छोटा फॉर्मेट है भाई कि ऑन द डे परफॉर्मेंस क्या देता है प्लेयर उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो अगर सही परफॉर्मेंस देते हैं तो हो सकता है कि LSG कैन बी द बेस्ट टीम, हो सकता है गुजरात कैन बी द बेस्ट टीम, पर वो अभी कहना थोड़ा सा बहुत जल्दी होगा क्योंकि परफॉर्मेंस फॉर्म के हिसाब से ही होगा। शुक्रिया यहाँ पे, बिग 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 थैंक यू यहाँ पर शुभम सेन गुप्ता का सपोर्ट करने के लिए स्ट्रीम को 1000 रुपीज़ पेटीएम के साथ। KL राहुल नौ बॉल, बेकार 4 रन। मैं बता दूँ डिफिकल्टी एक बार, मैं चेक कर लूँ एक बार क्या है, चेक करनी पड़ेगी। श्रीलंका टेस्ट भाई पता नहीं होगा कि नहीं, आप डिस्कॉर्ड भाई फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम फॉलो कर दें, स्पैम ना करें भाई हो सके तो। डिस्कॉर्ड पे आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन और या तो इंस्टा पे मिल जाएगी कुछ भी अपडेट होगा, तो प्लीज़ स्पैम करने में एनर्जी ना बिगाड़े। फर्स्ट बॉल ये तो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, मतलब नहीं कुछ क्योंकि नो बॉल है, फ्री हिट था। गुजरात की टीम ज़्यादा अच्छी लग रही है, उत्कर्ष मिश्रा भाई देखो 10 ओवर का मैच है, बैटिंग बॉलिंग दोनों आएगी, बैटिंग भी चेक हो जाएगा टॉप ऑर्डर और बॉलिंग भी चेक हो जाएगा दोनों का, तो देखते हैं क्या आता है, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। फीलिंग देखो अभी है कि शमी तो भाई देखो कई लोग कंप्लेन करते हैं कि शमी अच्छे फॉर्म में नहीं है T20 में, तो उनको लीड बॉलर बना दिया है, तो शायद वो उनकी एक गलती हो सकती है मेरे ख्याल से। कई लोग कह रहे हैं कि शायद शमी के साथ नहीं जाना चाहिए था, कई लोग कमेंट कर रहे थे पहले भी जब न्यूज़ आई थी कि शमी मेन बॉलर होंगे, तो कई लोग कह रहे थे, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है सही है, शमी बहुत सही खेलने वाले हैं शॉट। शुभम पूछ रहे हैं दर्द हो रहा है भाई, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैंने जितना सोचा था ना उससे ज़्यादा दर्द कर रही हैं उंगलियाँ, उससे ज़्यादा दर्द हो गया, उससे ज़्यादा तकलीफ हो गई मेरे को, मतलब अंदर से दर्द है, ऊपर से तो कटा हुआ ठीक हो रहा है लेकिन अंदर हड्डी वाला दर्द लगा हुआ है। और स्क्वायर से हिट करते हुए 4 रन भाई, पहली ओवर में 15 रन, अभी एक गेंद बाकी है, इसको कैसे संभालेगी शमी। का पहला ओवर तो भाई बहुत ज़्यादा हैवी पड़ गया हम पे, एकदम हैवी ड्राइवर निकले यहाँ पर KL राहुल। हार्दिक पांड्या पहली बार लीड कर रहे हैं भाई, क्या रुपए एक पोल डालते हैं हम लोग, पहले मुझे डिफ़िकल्टी चेक कर लें दो क्या है, स्पेशली AI वाला जो AI का लॉजिक है वो 90 है ना, ठीक है अभी 90 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 90 कर दे रहे हैं। लेट्स प्ले, पोल ये आ रहा है भाई यहाँ पे कि कैसे कप्तान लग रहे हैं आपको हार्दिक पांड्या, गुड चॉइस एज ठीक है देखते हैं। देखते हैं इस पूल का क्या रिजल्ट आता है हमारे चैनल पे। एक मिनट भाई, स्पैम कर रहे हैं तो इनको मैं हटा दूं थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों को भी डिस्टर्ब होगा भाई, तो स्पैमर्स को हटाना ही पड़ेगा। एक लास्ट गेंद है, स्लोअर कर रहे हैं, अब गेम खेलते हैं भाई, अब मैंने एक अच्छा पोल डाल दिया है,
एटलीस्ट पहली इनिंग तक मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाप रे, बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए मेरे को तो ऐसा लग रहा है। हाँ एक बात और मैं बता दूँ, अगर मैं अगला मैच जीता ना, मतलब अगले मैच में मैं टॉस जीता तो मैं पहली बॉलिंग ही करूँगा अगर मैं लखनऊ बन के जीतता हूँ, ताकि मैं सेम सिनेरियो में खिलाऊँ दोनों टीमों को। पहली ओवर तो भाई फ्लॉप रहती हुई, इसमें कोई शक नहीं। जो सोचा था उसका आधा आधा भी नहीं हुआ, उसका आधा क्या, आधे से भी ज़्यादा खराब हो गया। कवर पे कैच का चांस कोई मतलब नहीं, बल्कि चार का चांस होता हुआ, चार रन। भाई क्यों एफर्ट नहीं डाल रहे मुझे नहीं मालूम, कोशिश करना चाहिए यहाँ पे। लखनऊ फेवरेट टीम हो सकता है और आरसीबी फर्स्ट चॉइस है, वो तो पता ही था। अंदर लाने की कोशिश है, गेंद को लेट कट के रूप में चार लगाते हुए स्मार्ट बैटिंग कर रहा है यही। जब लगा लॉपटेड लेना है, देखो लॉपटेड लगा रहा है तो भी चार जा रहा है, ग्राउंड शॉट लगा रहा है तो भी चार जा रहा है। लॉपटेड पे रिस्क है आउट होने का, ग्राउंड शॉट बिंदास होकर खेल रहा है। तो रनों का भाई अंबार लगा दिया, रोहित शर्मा ने। एक्चुअली आदत नहीं है मुझे हार्दिक पंड्या का कैप्टन कहने की, आदत डालनी पड़ेगी। यस ग्राउंड शॉट फिर से एक बार सही दिशा दिखाई है, इजीली दो निकाल सकते हैं, डाइव मार दिया लेकिन लो क्विंटन डिकॉक ने। जिन लोगों को पता नहीं है क्विंटन डिकॉक हमारे चैनल पर अगर आप फॉरेन प्लेयर के हिसाब से देखते हो तो तीन प्लेयर के नाम मुझे सबसे ज़्यादा याद आते हैं, तीन ने अभी तो दो ही याद आ रहे हैं, पता नहीं तीसरा कौन था। एक क्विंटन डिकॉक, एक एमिल लुइस। ये दो प्लेयर्स स्पेशली शॉर्ट फॉर्मेट में 5 ओवर 10 ओवर 20 ओवर इन सब फॉर्मेट में बहुत ही ज़बरदस्त खेलते हैं यहाँ पर। तो उन्हीं में से एक आज हमारे सामने खेल रहे हैं क्विंटन डिकॉक। मुझे तो लग रहा है क्विंटन डिकॉक बहुत अच्छा खेलने वाले हैं, केएल राहुल से भी अच्छा खेलेंगे अगर टिके नहीं। चलो अभी देखते हैं कितना खेलते हैं। केएल राहुल थोड़े से खामोश रहे हैं फर्ग्यूसन की गेंदों पर, लास्ट टाइम नौ बॉल भी डाल दी थी शमी ने, तो महंगा पड़ गया यहाँ पर। केएल और डिकॉक एक अच्छे ओपनर बनेंगे, राज हंस कह रहे हैं भाई। हाँ एक्चुअली ये ओपनर सिलेक्शन हम लोगों ने ही किया है लाइव स्ट्रीम में ही, जो लोग थे उस वक्त। बिग हिट, स्क्वायर को भरो, स्क्वायर को भरो भाई, सामने से हटाओ प्लेयर, ये नहीं चलने वाला। स्टार्ट तक कह रहे 142 रन बनेंगे, अरे बाप रे भाई 142 ना होने वाले। और एक बात और, तीन फील्डर ही डीप में रहेंगे हमेशा, तो दिक्कत बहुत बहुत कस के दिक्कत होने वाली है यहाँ पर। ठीक है तो मैं एक फील्डिंग चेंज कर रहा हूँ, सामने से हटा दे रहा हूँ फील्डर, स्क्वायर लेग डाल रहा हूँ। स्क्वायर को ज़्यादा ही मार रहे हैं इसलिए, मतलब समझो ना हर गेंद इनकी स्क्वायर ही जा रही है हर ओवर में, मतलब दो गेंदें समझो स्क्वायर टच कर रही हैं। यस कवर पे आगे आना पड़ेगा, गेंद को होल्ड करना पड़ेगा। दो रन का कॉल देते हुए रन आउट का चांस है, रिएक्शन थोड़ा दिखा दो। आउट 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 भाई खत्म। पहला विकेट क्विंटन डिकॉक का रन आउट के रूप में होता हुआ, मैंने कहा था अगर क्विंटन डिकॉक टिके रहे तो, पर गलत कॉल देने के चक्कर में आउट हो गए यहाँ पे। क्रिकेट 19 भाई, ये यूनिफॉर्म असली नहीं है, तो जो चाहे जैसा बना सकता है यूनिफॉर्म, मैं अपना बना के अपलोड कर दूंगा तो वो असली नहीं होगा, असली यूनिफॉर्म्स नहीं आए हैं। एलएसजी का भी नहीं आया है और जीटी का भी नहीं आया है, तो दोनों का नहीं आया है। बहुत ही बढ़िया विकेट, बढ़िया फील्डिंग, शुभमन गिल की थ्रो पर शिकार बनते हुए क्विंटन डिकॉक यहाँ पे। अब पहला ब्रेक थ्रू मिल चुका है, मतलब कहीं ना कहीं अब लखनऊ और भी विकेट खो सकता है। पहला विकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एटलीस्ट इस गेम में। रन रेट की बात करते हो तो रन रेट चल रहा है इस वक्त 33-16 के आसपास। बाप रे बहुत ज़्यादा है यार, प्लीज़ दो ले लो, फिर दो ले लिए भाई। आउट, ओ थोड़ा सा तेज दौड़ जाते तो हो जाता काम भाई यहाँ पे। भाई स्पैम को मैं हटा दे रहा हूँ, तो सॉरी अगर आप स्पैम कर रहे हो और आपकी कमेंट तीन कमेंट के बाद हट जा रही है। फिर कवर, अरे यार पॉइंट इस बार दो, इस बार इजी आ जाएंगे दो, इस बार तो थ्रो ना दो तो भी चलेगा। दो रन, आराध्या कह रहे हैं कि 120 से 125 बन सकते हैं। यस भाई 120 से 125 बन सकते हैं, सब सही रहा तो, अगर बाकी तो देखो क्या परफॉर्मेंस आता है। बीट बहुत अच्छा लगा बीट करा, क्योंकि पहली बार बीट कराया, अभी तक यही हमें बीट करा रहे हैं। अभी स्पिनर्स भी आएंगे तो और मजा आएगा सामना करने में। अरे बॉडी से दूर खेल रहे हैं, चलो ठीक है। वीआर सेटअप कितने में आया पता नहीं भाई, वीडियो देख लो, वीडियो बनाई इसीलिए ताकि आप देखें, इसलिए नहीं कि भाई लाइव स्ट्रीम में आके
खाली पूछ लिया भाई, पूरी वीडियो है भाई, पूरा एक्सप्लेन किया है, ज्यादा समय नहीं लगेगा भाई और आपको देखने को भी मिलेगा। ओ बड़े हिट के चक्कर में अभी स्टंप्स बच गया इनका शमी के सामने, और शमी का कमबैक भाई पिछली ओवर में, गेंदें स्विंग कर रही है तो काम बन रहा है बहुत आसानी से। एक ओवर और, लॉकी फर्ग्यूसन 13 रन, रनआउट के रूप में विकेट लिया था, गेंदें घूमने लगी हैं, रन रेट डाउन हो रहा है यहाँ पे, जो रन रेट 16 का था वो इस वक्त 3 38 39 13 के नीचे आ चुका है, 13 के नीचे आ चुका है यहाँ पे। तो गुजरात टाइटन्स कम बैक करता हुआ, 4 का मौका, रोक लो यार, ऊंचाई से निकल गया सर के ऊपर से, खली को लगाना पड़ेगा इस फील्डिंग के लिए तो। देखो भाई क्या होता है, केएल राहुल फिर आ गए भाई, देख घपागम। पहले स्क्वायर पे फील्डर था, पहले स्क्वायर पे फील्डर नहीं था तो स्क्वायर से मार रहे थे, अब मिड विकेट से और ये मिड ऑन वाली के बीच के पोजीशन से हिट कर रहे हैं, दोनों बहुत ही बढ़िया शॉट। जो लोग नए जुड़े हैं भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। एक और 4 यहाँ पर दे दिया है शॉट स्ट्रेट में, केएल राहुल को रोकना इस समय गुजरात टाइटंस की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई, मुझे नहीं लग रहा है इसके बाद दिक्कत होने वाली है, बहुत कसके वाली स्पिनर्स आएंगे इसके बाद, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मैं शमी के सारे ओवर गंवा दूँ, उनका ओवर तो बचाएंगे हम लोग, 2 रन ले तो मजा आ जाए यहाँ पर, प्लीज़ दो रन ले। अरे यार समझदार है भाई ये, शुक्रिया यहाँ पे एक बार फिर जाएगा भाई शुभम सेन गुप्ता को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रीम को, 1000 रुपीज़ पेटीएम के साथ, धन्यवाद। चलते हैं हम लोग अब गेम की तरफ, स्विंग करानी अंदर मेयर्स, अरे ये कौन सी गेंद डाल दी, बहुत गंदी गेंद, अर्ली जम था, रिलीज भी वीक था भाई, 2 रन आसानी से दे गई, ओवर समाप्त हो रहा है 11 रनों के साथ, एक गेंद बाकी है, ठीक है 11 रन यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। वाइड यॉर्कर डालो, वाइड यॉर्कर वाली फील्डिंग नहीं है मेरे भाई, वाइड यॉर्कर के लिए मैं गया तो ये बहुत आसानी से हिट कर देगा, हम बाहर कर रहे हैं उसका हाल ही बेहाल है भाई, तो वाइड यॉर्कर डालने का तो और मतलब नहीं रहता, रोकना मेरे भाई बस, चलो। बढ़िया ओवर 13 रनों के साथ, ओपी एंड क्या है, तेज गेंदबाज मैं नहीं मानता सफल रहे हैं, जयंत यादव को बुला रहा हूँ मैं एक तरफ से, राइट आर्म फिंगर स्पिन, और सुरेश नहीं क्या नाम है, पावर प्ले में 3 फील्डर ही है ना, और रशीद खान इसके बाद आएंगे। अरे हाँ एक चीज़ तो भूल ही गया भाई मैं, और कमेंट में भी किसी को समझ में नहीं आया भाई, ये T10 है, 2 ही ओवर तो मिलते हैं आपको, क्या यार गजब, किसी को पता नहीं लगा भाई कि ये T10 है और आपको सिर्फ 2 ही ओवर मिलते हैं, मैं ओवर बचा रहा था यहाँ पे कि अभी मैं अगला लास्ट ओवर करवाऊँगा उनसे, क्या नाम है, मोहम्मद शमी से भाई, हो गया लास्ट ओवर, बचा ही नहीं, 2 ही ओवर तो मिलने वाले हैं भाई आपके। ठीक है स्पिन कराओ भाई, अभी इन्हीं से कराओ परफॉर्मेंस, एक तेज गेंदबाज बचा के रखना, चाहे हार्दिक पंड्या चाहे कोई और, अरे यार 4 रन पॉइंट पर से, फील्डिंग तो सही है मेरे भाई लेकिन गैप ढूंढ ले रहे हैं वो लोग, दिक्कत वहाँ हो रही है यहाँ पे, देखो क्या बनती है बात। हार्दिक पंड्या आए हैं समझा रहे हैं जयंत यादव को कि भाई जयंत यादव थोड़ा सही लाइन में रखियो, आसानी से हिट हो रहा है, फिर से आसानी से हिट हो रहा है यहाँ पे, भाई पॉइंट कवर का बीच का पोजीशन इतनी आसानी से हिट कर ले रहे हैं जैसे मजाक चल रहा हो, मतलब मैं 2 बार सोचूं खेलने से पहले, क्योंकि पॉइंट मौजूद है, डीप भी मौजूद है, लेकिन ये बिंदास होकर खेल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी एक मौका है, कैच, ये एक मौका बन सकता है, लेकिन नहीं भाई ड्रॉप तो नहीं कहूँगा मैं कि शायद ड्रॉप हुआ है, शायद ड्रॉप हुआ है, चेहरा तो बहुत दुखी हो गया है, रिप्ले में ही पता लगेगा भाई क्या हुआ है, ड्रॉप की लेने गए थे दिल स्कूप, पता नहीं कौन सा शॉट अजीब सा, लेकिन मिस हो गए हैं पूरी तरह से, कैच था, अगर होल्ड कर लेते तो कैच था, होल्ड करते तो स्क्वायर लें, दो रन लेना चाहेंगे आसानी से निकालते हुए। आईपीएल का फिक्चर कब आएगा भाई किसी को नहीं पता अभी, ईमानदारी से कहूँ तो, बाकी अगर गप्पे में कहना हो तो इस हफ्ते तो आ ही जाएगा, मतलब गैस मार रहा हूँ मैं, इस हफ्ते आ जाएगा,
क्योंकि ये महीना ही आईपीएल वाला है, इस महीने आना चाहिए भाई, इस महीने आना चाहिए। बाकी देखो अब कब आता है। हार्दिक पंड्या रिटर्न्स, एक ओवर करके टाटा बाय बाय करूंगा मैं इनको, क्योंकि मुझे रशीद को भी ट्राई करना है। एलबीडब्ल्यू यार क्लोज है, क्लोज था यार, काफी क्लोज था, यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज था भाई। हो सके तो मत करो स्पैम भाई, फिर इंस्टा पे मैसेज करोगे आप। प्लीज स्पैम मत करो हो सके तो। चलो हार्दिक पंड्या भाई यहाँ पर करो कमाल। एचएस तेज गेंदबाज अब कमाल कर रहे हैं। पिटाई तो हो चुकी है भाई हमारी, यहाँ से आराम से 120 बनता हुआ दिख रहा है मुझे। सेम फील्डिंग सेटअप रहने वाला है, T10 में तीन ही फील्डर बाहर रख सकते हो आप, ये नियम है। 5 ओवर्स में भी ऐसा है, 10 ओवर्स में भी मेरे ख्याल से ऐसा है, शायद एक बार देखूं। हाँ अभी तक तो ऐसा ही है, तीन फील्डर ही रख सकते हो आप बाहर, और तीन फील्डर्स मैं ऑलरेडी रख चुका हूँ वहाँ पर। और ये तीनों पोजिशन ऐसी हैं जहाँ सबसे ज़्यादा जाते हैं शॉट, ये देखो। और कुछ फ़ायदा नहीं क्योंकि रोक ही नहीं पा रहे, बंटा धार उनको, ये रोक लिया, पता नहीं कैसे रोक लिया, उठा नहीं रहे अब। अरे अरे भाई ये क्या कर रहा है भाई, पता नहीं क्या किया, जो भी किया बहुत अजीब किया यहाँ पे। मतलब गेंद तो ऑलरेडी आ चुकी थी अंदर, फिर भी भाई केएल राहुल इन अ गुड फॉर्म, 22 गेंदों में 50 रन लगा दिए हैं, कैप्टन प्लेइंग कैप्टन्स नॉक। प्रियंका गांधी यहाँ पे आते हुए भाई ठीक ठाक, पिट रहा हूँ भाई मैं अभी। अगर मान लो मैं फाइन लेग रखता हूँ तो वो स्क्वायर से मारेगा, अगर मैं मिड विकेट हटा देता हूँ तो वो मिड विकेट पे मारेगा। सामने मुझे रखना नहीं है क्योंकि सामने अभी तक इन्होंने बहुत रेयर शॉट मारे हैं, तो सामने तो नहीं रखना। तो यही सबसे बड़ी दुविधा बन चुकी है कि हम लोग ये देखो लेट कट यहाँ पे लगाते हुए ऑसम बैटिंग कर रहे हैं मायर्स। कमेंट आया था मायर्स को, पहले तो कमेंट आया मायर्स को लो, जब मैंने उनको ले लिया तब कहें कि मत लो, पर मेरे को लगता है कि लखनऊ काफ़ी खुश होगा मायर्स के बैटिंग परफॉर्मेंस से। अभी तक 10 गेंदों में 16 और गेम यहाँ से अपना बढ़ा ही रहे हैं, तो धीरे 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 और अच्छा खेलते हुए। कैच का मौका नहीं बन रहा यार, गुस्सा आ रही है। अभी ये कवर एकदम बेकार खड़ा हुआ है, थोड़ा सेट करना पड़ेगा, या तो फिर मिड विकेट हटा दूँ। ऐसा ही करते हैं भाई, मिड विकेट हटा देते हैं, मिड विकेट हटा देते हैं, और ये कवर को दो कर देते हैं हम लोग, दो कवर लगा देते हैं। मैं हर बार लगाता हूँ, आज नहीं लगाया मैंने, नहीं तो ये तो रन मारते रहेंगे भाई ऐसे। और कवर ऐसी पोजीशन है ना कि आपको कुछ नहीं करना है, फ्रंट फुट निकलना है, बस बल्ला घुमाना है, बस मिड विकेट अंदर आ गया है ठीक है। अब गेंदें भी ऐसी करनी है कि जो मिड विकेट ही खेलने पे मजबूर करें, मिड विकेट नहीं कवर पे खेलने पे मजबूर करें। ये भी चार जा रहा है, मिड ऑफ खेल गए हैं, फील्डर्स दो दो रखे हैं हमने, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं। हाल तो यह है कि भैया आप कवर भी रखो, डीप एक्स्ट्रा कवर भी रखो और लॉन्ग ऑफ भी रखो, तब जाके आपके चौके रुकेंगे। तो चलो हम ये भी ट्राई करते हैं, अब मजा आएगा। अब देखता हूँ ये कहाँ मारता है चौका, अब मार के दिखा भाई तू। तीनों फील्डर मैंने रख दिए हैं एकदम सामने की तरफ से, मिड ऑफ कवर और एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर। फर्स्ट बॉल बीट, अगर ये ट्रिक चल गई या ये फील्डिंग सेटअप आज कंफ्यूज कर गया दिमाग इनका, एआई को कंफ्यूज कर दिया, तो मज़ा आ जाएगी यहाँ। लेकिन बहुत रिस्की फील्डिंग सेटअप है, लेग साइड पे एक शॉट भी अगर इन्होंने लिया तो ख़त्म। अभी भी गैप मिल रहा है, अभी भी गैप मिल रहा है, अभी भी दो ले रहे हैं वो लोग। नहीं इस बार एक रन से खुश हैं, बच गए। हार्दिक को करना भूल गए, कौन हार्दिक भाई, अभी तो मुझे ये टेंशन है कि रशीद खान ना रह जाए गेंदबाजी करवाना। जयंत को दो ओवर करवा दिए मैंने, ये चल रहा है सातवां ओवर। अरे बाप रे, पॉइंट से गैप यहाँ पे चार रन के रूप में लगाते हुए रशीद खान कहीं ना कहीं वेस्ट होते हुए यहाँ पे। दिक्कत ये हो गई है कि आपके पास गेंदबाज काफ़ी सही मात्रा में है, मतलब जयंत यादव को मेरे को नहीं करानी थी यादव पे। अरे पॉइंट पर से गैप ढूंढ रहा है ग्राउंड शॉट के रूप में, इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस भाई, गजब। कायल मायर्स यहाँ पे लगभग 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट हो चुका है यहाँ पे, और अब ग्राउंड शॉट ले रहे हैं। पहले ये भाई साहब यहाँ पर धीरे 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 आराम से खेल रहे थे, और अब यहाँ पे आप देखो तो ये बंदा नहीं, पहले तेज खेल रहे थे उठा उठा के गेंदों को, और अब ये शॉट ले रहे हैं। ओवर समाप्त, 7 ओवर के बाद यहाँ पे 95, मैं बुला रहा हूँ 8, 9, 10 ठीक है, मैं बुला रहा हूँ, पर एक दिक्कत है रशीद को। चलो रशीद को ट्राई करता हूँ,
रशीद काले हो गए यहाँ पे, पता नहीं कैसे काले हो गए, मुझे भी नहीं मालूम, इतने काले नहीं है भाई रियल लाइफ में। ऐ पैरों पे फर्स्ट बॉल आउट नहीं है ना, ना लगा है बैट, बैट भी नहीं लगा और पैरों पे बहुत दूर लगी है, LBW नहीं होगा। जिनको पता नहीं है, जो लोग इस बीच जुड़े हैं भाई, 10 ओवर का मैच है तो डेथ ओवर्स चालू हो चुकी हैं। लेग साइड मत खेलने दो यार, चार चला जाएगा मेरे भाई। कमेंट आया था 140 तक बन सकते हैं, बन सकते हैं भाई, कोई शक नहीं इसमें। 100 तो समझो हो ही गया, 99 हो ही गए, और उनके पास 16 गेंदे हैं, 16 गेंदों पे अगर ये पकड़ पकड़ के भी पॉइंट से मारते हैं शॉट, इनको मालूम है पॉइंट से ही मारना है, पॉइंट से ही मार रहे हैं। चार रन, फील्डिंग बदलो भाई, नहीं तो खत्म। शॉट लेना दुविधा है भाई, कि आप रोक ही नहीं सकते जब कई बार रोकना होता है ना। सुबीर रॉय कह रहे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज करना होगा, हाँ भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज करना होगा राइट, क्योंकि मैंने इतना बड़ा चेज नहीं किया और T10 तो मैंने लगभग खेला भी नहीं है प्रॉपरली इस गेम में। स्ट्रेटेजी पूरी बदल जाएगी और ये बंदा पूरी अलग स्ट्रेटेजी से खेल रहा है, यहाँ पे दो रन लेगा आसानी से आएंगे यहाँ पे। कॉलन कह रहे हैं कि उनको लग रहा था हमारी बैटिंग चल रही है। नहीं यार, फील्डिंग बदलो, पॉइंट पे लगाओ, और ऐसा नहीं है कि कवर में हटा रहा हूँ, कवर को मैं आगे ला रहा हूँ और पॉइंट को डीप भेज रहा हूँ, क्योंकि बहुत शॉट जा रहे हैं पॉइंट से और मैं रोकना तो है ही इसको, तो मतलब नहीं यहाँ पे। एजेस आउटसाइड, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन ये फ़ायदा नहीं, चलो चलो फ़ायदा हो गया, रोक लिया, बड़ी बात है यहाँ पर, नहीं तो गड़बड़ हो गई थी यहाँ पर। कमेंट आ रहा है 135 रन भी बन सकते हैं, पता नहीं भाई, अभी तो देखो 135 से ज़्यादा ही बनते हुए दिख रहे हैं मुझे। स्टांस बदला, लेग साइड पर हिट किया है मिड विकेट से चार, मेरी कोशिश सिंपल सादी है कि कुछ भी हो जाए इनको शॉट लेग साइड नहीं लेने देना। ये 12 रन आराम से ओवर में बना रहे हैं, दो ओवर का गेम बाकी है, अब आप कैलकुलेट कर लो कि अगर 24 रन यहाँ से मिनिमम बनाते हैं तो क्या होगा। तेवटिया आए हैं लेकिन मैं तेवटिया को नहीं, मैं यहाँ पर गेंदबाजी बुला रहा हूँ हार्दिक पंड्या को, मुझे लगता है स्पिनर्स से ज़्यादा तेज गेंदबाजों का अच्छा चांस है। तो 24 रन ऐड कर दो भाई, 134 बन रहे हैं अगर, बहुत ही ख़राब गेंद, अब गिन लो 24 मतलब, हाँ 134 अब 134 हुआ, 134 तो मैं कह रहा हूँ बन ही सकते हैं आराम से, 12 24 तो ले ही लेंगे आराम से ये लोग। 12 गेंदें इनके पास हैं, लेग साइड पे गारंटीड चौके और छक्के हैं, स्टांस बदल के खेल रहे हैं, लेग साइड पे ज़बरदस्ती हिट मार रहे हैं और चौका काफ़ी आसानी से इनके नाम आ रहा है यहाँ पर। हार्दिक पंड्या द कैप्टन इज़ ऑन द क्रीज, सामना कर रहे हैं कैप्टन का, लेकिन कैप्टन अभी नॉन स्ट्राइकर में है, तो अगर सब सही रहा तो कैप्टन वर्सेस कैप्टन हो सकता है। ऑफसाइड पे तो चांस कम लग रहे हैं मेरे को, ठीक है बढ़िया। ए दो दौड़ रहा है, दो दौड़ गया आउट, अब तो आउट कर ले, अरे बाप रे, मायर्स को दे दी स्ट्राइक। अरे बहुत दिक्कत है भाई मायर्स के गेम प्ले में, मैं चाहता हूँ कैप्टन वर्सेस कैप्टन हो। चार गेंदें बाकी हैं, तीन गेंदों पे हो सकता है, दो गेंदों पे हो सकता है, बहुत बढ़िया गेंद। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ ये तेज गेंदबाजों की फ्रेंडली पिच है, अगर लखनऊ ने स्पिनर्स के भरोसे नहीं रहा लखनऊ तो जीत भी सकता है ये मैच आसानी से। और मैं आपको बता दूँ ये एक एक मैच का सीरीज है, अगले मैच में मैं अब तो आउट कर ले यार, पता नहीं भाई अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक फाइनल आ नहीं जाता। थर्ड एम्पायर फिर से कोई चिल्लाया, अरे लेकिन लग नहीं रहा है आउट है, फिर से दिखाओ एक बार, हाँ आउट 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 आउट, मोस्टली आउट ही हो जाता है क्योंकि थर्ड एम्पायर देते नहीं है ये लोग, एक्सपेक्टिंग आउट, यस। बढ़िया करके गए भाई, 35 लगभग 200 का स्ट्राइक रेट। मनीष पांडे हमारे चैनल पे क्रिकेट 22 में पहली बार खेलते हुए शायद, 8 गेंदे बाकी हैं, स्ट्रेट है, सिलेक्शन तो बहुत बढ़िया है, रुक जाए तो मजा आ जाए मुझे भी। ए रो फुटबॉल खेल गया। भाई रोका ही नहीं, ये तो इंजमाम बन गया भाई यहाँ पे, बाप रे ये बढ़िया था भाई, यहाँ पर इंजमाम जैसा पूरा रिएक्शन दिया, मतलब दौड़ते गए पैर मार दिया खाली, और पैर भी ऐसा कि गजब, और रुक भी गया था गेंद रुक भी गया था, लेकिन आगे धक्का खा गया वो भाई। और मत पिटाई खाओ, चार चार आठ दो दस, 10 रन हो गए भाई, अब मत देना लास्ट गेंद है, संभाल ले तो मज़ा आ जाए। संभाल ली 11, लेकिन शायद 12 आ जाएंगे, मुझे लग रहा है 12 आ सकते हैं, लेने वाले थे लिए नहीं रन, 11 पे रुका है,
लास्ट ओवर, मेरे पास ऑप्शंस ज़्यादा है नहीं, एक बार मैं दिखा देता हूँ, मैं चेक करूँगा एक बार। विजय शंकर, तिवाटिया और भाई खान, क्या कहते हो किसको दिया जाए लास्ट ओवर? मैं 12 रन तो लेके चल रहा हूँ, 134 बनेंगे इनके मुझे ऐसा लग रहा है। देखो यहाँ पे क्या बात बनती है। सब टीम के मैचेस होंगे? नहीं भाई पता नहीं, अभी तो मेरे को आज का मालूम है कि आज ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है, बाकी हम लोग कल का भी श्योर नहीं है हम लोग क्या खेलने वाले हैं। रशीद, तेवटिया या फिर शंकर, अनफॉर्चुनेटली कोई कमेंट आया नहीं। शंकर का नाम आ रहा है 4-5 लोगों ने, वा फिर रशीद खान का नाम आ रहा है, शंकर और रशीद में ही है मेन। ठीक है, मैं शंकर के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मीडियम पेसर रही है, और मैंने पहले भी कहा और बार बार कहूँगा कि ये पिच कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्पिनर्स से ज़्यादा तेज गेंदबाज के फ्रेंडली है। पॉइंट पे फील्डर आ चुका है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि लेग साइड मारेंगे, पॉइंट पे मार दिया है। कवर 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 कवर, रोकना रोकना रोकना, ये चाहता हूँ मैं, बहुत अच्छा फील्डिंग एफर्ट। गायब हो गया फील्डर ही, गायब हो गया, 3 रन लेंगे तो आउट करना, 2 रन, चलो चलो। पहली गेंद ठीक ठाक यहाँ पर, नॉट बैड नॉट गुड, ना बहुत अच्छी थी ना बहुत ख़राब थी। ये गेंद ऐसी है कि अगर आफ्टर टच काम नहीं किया तो शायद लेग साइड मार दें। एजेस, थर्ड मैन से 4, कुछ नहीं कर सकते आप इसके लिए, अफसोस कर सकते हो कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो सकता है, होता है हर बार। आउटसाइड एज, अच्छी गेंद, बॉडी से दूर रह के खेल रहे हैं इसलिए बैट का फेस खुला था, किनारा लगना तय हो चुका था, हुआ भी यहीं। मनीष पांडे, 4 गेंदों में 11 रन, फिर एज और इस बार कीपर के हाथों में, लेकिन थोड़ी दूरी से मिस कर गए हैं, कीपर को आपको आगे बुलाना होगा। विजय शंकर मीडियम पेसर गेंदबाज हैं, इस कारण से जो कीपर के पास गेंद जाता है, आप आ जाओ भाई, कीपर को आगे बुला रहे हैं हम लोग। मनीष पांडे, 5 गेंदे 11 रन, फिर लेट कट, फिर से चौका, बाप रे भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया भाई यहाँ पे, ये रोक लिया है, 2 रन। कमेंट में आते हुए अध्ययन, लव, टीच, आशीष, रूड, बढ़िया, कह रहे हैं कि खान को नहीं दिया था इसलिए, नहीं भाई मैं खुश हूँ भाई, ये ओवर से 8 रन आया 4 गेंदों में, 12 तो मैं लेके ही चल रहा हूँ। हाँ, आप चौका मार दिया इन्होंने 2, तब दिक्कत हो जाएगी, बाकी तो यार सही है। ओ लीव कर रहा है, वाइट क्यों डाल रहा है मेरे भाई, ए रन आउट, रन आउट, रन आउट, रन आउट, रन आउट, रन आउट, रन आउट। ओए यार पांडे जी 2 रन दे गए एक्स्ट्रा, और कई लोग पता है इसमें भी कंप्लेन करते थे कि भाई आप रन मत दौड़ा करो, अब एआई लेने लगा है रन। गजब लिया भाई, अनएक्सपेक्टेड, चलो डॉट गई अगली गेंद, बहुत अच्छे। 10 गेंदों में 10, अरे 5 गेंदों में 10, सॉरी 5 गेंदों में 10, भाई लास्ट गेंद है प्लीज़ संभाल लियो, स्लोवर डाल रहा हूँ, सामने मत खेलने देना, यहाँ पे पूरा गेम पलट जाएगा नहीं तो। आखिरी गेंद 132, मैंने कहा था 134, ए यार लेग साइड कहाँ मार गया, 136 यार, 137 का चेज आया है, 13.6 रन पर ओवर बनाने हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। स्कोर कार्ड देख लो रघु भाई, पता लग जाएगा हाउ एम आई। 13.6 रन पर ओवर, 10 ओवर का चेज है, गुजरात के साथ फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, लखनऊ के सामने फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, इसके बाद लखनऊ बन के हम फर्स्ट टाइम खेलेंगे, गुजरात बन के भी फर्स्ट टाइम खेलेंगे। बैटिंग कुछ ऐसी रही है, टॉस यहाँ पे लखनऊ ने जीता था, हाँ टॉस यहाँ पे लखनऊ ने जीता, फर्स्ट बैटिंग का फैसला किया था। एआई जनरली जब टॉस जीतता है तो जो बेस्ट होता है वही चुनता है। इस पिच पे मैं कहीं ना कहीं, मुझे भी लग रहा है अब कि बैटिंग शायद अच्छा मौका रहता, अब पहली बैटिंग लेते वो ज़्यादा अच्छा था, पर अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अब एक ही चीज़ है 13.6 के रन रेट से इस रन को चेज करके दिखाओ। एक्चुअली 137 है, 13.6, 14 समझो ना यार, ना आपका ना मेरा, 14 रखते हैं, 14 का रन रेट यहाँ पर, जो कि मेरे लिए आसान नहीं होने वाला। बॉल क्वालिटी 95 है, बॉल का पेस बढ़ाया हुआ है, वही है कि जितना परफेक्ट लगेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पर। कमेंट की बात करें तो पवन, मुकेश, अभिषेक, आदित्य, टैडी, अध्ययन, प्रो, रूड, टीच, मुकेश, नील यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आते हुए यहाँ पे। भाई जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दो। एक बात और मैं बता दूँ, ये जो कपड़े आप देख रहे हो ये ऑफिशियल कपड़े नहीं है, मैं भी कोई भी कपड़ा बना के कोई भी अपलोड कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो कपड़े डाउनलोड किए हैं वो गुजरात के ही कपड़े हैं, गुजरात टाइटंस जो आई पी एल में खेलेगी, और लखनऊ के ही कपड़े हैं, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर।
ये रन आउट हुआ था जो मायर्स बेचारे यहाँ पे। रघु कह रहे आराम से हो जाएगा, भाई आराम से तो नहीं लग रहा मुझे, चलो पर देखते हैं। अजय यहाँ पे फिनोमिनल, क्योंकि मैं सच्चाई में रहना चाहता हूँ, फिर मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं पहले से ऐसा कहूँ और फिर 14 रन आसान नहीं होने वाला भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। संजय टैक टीच अरविंद मुकेश भाई बिग शुक्रिया यहाँ पे फिर से, बिग थैंक यू गोज टू सुवम सीन गुप्ता सपोर्ट करने के लिए स्ट्रीम को। आज की सेटअप थोड़ा सा अलग हो गया है, जो लोग लेट हुए अब मैं थोड़ा पीछे भी जा सकता हूँ, लास्ट टाइम तो दीवार आ जाती थी हर बार। ये रहा बैटिंग कार्ड, हालात ये थी कि अगर 3 ओवर और मिल जाती ना तो शायद केएल राहुल सेंचुरी मार ही देते, या तो फिर समझो 42-43 गेंदें खेल लेते अगर तो शायद सेंचुरी मार देते वो, मतलब ऐसे रिदम में खेल रहे थे, ऐसे रिदम में थे, और अगर डेथ ओवर्स खेलने मिलती तो और ज़्यादा मारते। तो 33 गेंदों में 73 शानदार पारी। इन गुजरात की तरफ से अगर आप देखते हो तो सबने निराश किया है क्योंकि विकेट भी गिरा नहीं पाए हम लोग, और ना ही हम गेंदबाजी में कुछ कर पाए, और शायद इसीलिए सब लोग कहते कि भाई T20 लो। T20 में क्या होता पता है, और शायद विकेट गिरती शायद और ज़्यादा अच्छा होता, और बॉलिंग के चांस होते, शायद रहना भी आते गेंदबाजी करने। चलो कोई नहीं, मार्क वुड का सामना हो रहा है, फर्स्ट बॉल से ही गेम ऑन हो जाएगा। सामना कर रहे हैं शुभमन गिल, फील्डिंग बहुत टाइट है ऑफ साइड पे, दीवाल के पीछे एक छोटी दीवाल भी लगाई है, और शानदार पेस भाई 149 का पेस हमने आदत नहीं है 149 खेलने की, 140 तक चलता है, 49 नहीं, बाउंस वाइड गेंद, ये तो साफ वाइड है। रिक भाई मैं एक फंडा लेके चल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ 14 बार अच्छा खेलना है, मतलब 10 बार अच्छा खेलना है, सिर्फ 10 बार, मतलब ओवर के हिसाब से देखते तो 10 बार 14 रन मारने से 140 तो शायद देखो। yep. गैप शॉट की उम्मीद, मिला है गैप लेकिन क्राउड की आवाज़ से लग नहीं रहा है, 4 है, अरे यार 2 ही रन बन रहे हैं, टाइमिंग कमजोर रहता हुआ। ठीक है अभी आप विकेट बचाओ तो अंत की 2-3 ओवर 3 ओवर 4 ओवर मार सकते हो यहाँ पे। कमेंट आ रहा है 2 ओवर बाद मारो, मैं मारूंगा ही नहीं, खराब गेंद आएगी नहीं जब तक, मैं तो खराब गेंद पे ही मारूंगा सिर्फ, जैसे मान लो यॉर्कर पैरों पे आ गए तो, बाकी नहीं, बाकी नॉर्मल शॉट्स जिंदाबाद भाई। ये आउट होंगे बच गए, ड्राइव नहीं मारी होती अगर फील्डर ने, स्लाइड नहीं किया होता तो गए थे यार, और वापस भी नहीं जा रहा था पता नहीं कैसे ऑफ साइड पे दीवार थोड़ी सी हल्की होती हुई, अब एक लेयर है दीवार का, एक लेयर ऑफ साइड पे। रिद्धिमान साहा और आउटसाइड एज, हल्का सा लेट कट, जानबूझ के खिला था, रूम बता दूं मैं आपको, रूम दिया था ये, आप देखोगे तो स्लिप में ओपन किया हुआ था बैट, यहाँ पे उसी की बदौलत 4 लगाए हम। रिप्ले दिखाना है भाई मुझे, नहीं तो कई लोग बोलेंगे एज लगी थी, ये एज नहीं थी मेरे भाई, ये खेला हुआ शॉट था ऑफ साइड पे, मेरे से बैकफुट दम गया था एक्चुअली इसलिए, बाकी पैरों पे अपील नहीं यार, मुझे नहीं लग रहा आउट, लेग साइड जा रहा है पूरा, हो सकता है कि शायद मतलब हाइट का भी इशू होगा अगर लेते हैं तो, मतलब लेग साइड भी जा रहा है हाइट भी है, लेना नहीं चाहिए मेरे को नहीं लगता। ठीक है नॉट आउट, गेम खुद ब खुद रिप्ले दिखा रहा है, अरे ये तो थोड़ा ये कैसा लगा है, स्विंग तो है गेंद गिरने के बाद अंदर तो आया है, मैंने पहले कहा तेज गेंदबाज को ऐसे भी फ्रेंडली, भाई तो मिडल लग रही है गेंद, एक मिनट रिप्ले दिखाऊं इसमें तो कुछ अलग ही लग रहा है रियल लाइफ में, थोड़ा सा अंदर आना शुरू हुआ था ये देखो, पैरों पे लेग साइड पे लगा है और विकेट एम्पायर्स कॉल रह रहा है, और मुझे पूरी तरह से नॉट आउट लग रहा था भाई, तो पूरा गेम ही पलट गया है यहाँ पे देखा जाए तो। शुभमन गिल ऑफ साइड पॉइंट कवर के 20 से, यॉर्कर अर्ली खेला थोड़ा सा, नुकसान हो गया भाई, ऐसे विकेट मत दो यार, तो नई टीम है, कॉम्बिनेशन का कुछ पता है नहीं, क्या बैटिंग करेगी कैसे करेगी, आप रनआउट मत हो, यही दो दो तीन बैट्समैन तो पता है भाई जो खेलते हैं, क्या कर दिया आउट यार। अबे ये कौन है भाई, ये भाई BCCI में कंप्लेन कर दूंगा मैं, कौन चिल्ला है भाई अंत में, ये बहुत जोर से, ये तो अब्यूज ही लगा मुझे। शुभमन गिल आउट हुए, द मिस्टर IPL सुरेश रैना यहाँ पे आते हुए, अभी रैना नहीं लग रहे, लेकिन रैना बिल्कुल नहीं लग रहे यहाँ पर, फर्स्ट बॉल फर्स्ट ओवर जाते जाते विकेट एक खो दिया है यहाँ पे, सुरेश रैना यहाँ पर स्क्वायर कट लगा रहे हैं लेट टाइमिंग से यहाँ पर, और एकदम भाई बहुत दिनों बाद खेल रहे हैं ये भी मैच, और मैं पहली बार खेल रहा हूँ T10, हम दोनों नए हैं, मैं इस फॉर्मेट में और ये मतलब अभी नए तो नहीं पर बहुत दिनों बाद खेल रहे हैं,
ऑफसाइड पे गैप है नहीं भाई, आज ये अलग फील्डिंग क्यों लगाई है समझ नहीं आ रहा मुझे ये। अरे बहुत अलग फील्डिंग है भाई ये, चार रन लो मैच का पहली बाउंड्री आती हुई मिस्टर आईपीएल के बल्ले से, चार रन सुरेश रैना। अब आएगा मजा भाई, अंकुर कह रहे हैं कोई बच्चा था वो, भाई वो 33 साल के बच्चे हैं सब, मुझे नहीं लगता, पता नहीं कौन चिल्ला है, कोई फॉरेन प्लेयर लगा आप सामने वाली टीम में, फॉरेन प्लेयर कौन है, डिकॉक है एक स्ट्रेट्स एंगल में गेंद, रैना का पवेलियन का रास्ता सेट होता हुआ यहाँ पे, बहुत ही बड़ी दुविधा में फंसता हुआ गुजरात टाइटन्स यहाँ पे, विकेट बचाएगी रन बनाए साफ है जय भाई। और कितनी समझदारी वाली गेंदबाजी की, पहले राउंड द विकेट आ रहे थे राइट आर्म, उसके बाद इन्होंने साइड चेंज किया, ओवर द विकेट आए, एंगल में डाली, फ्रंट फुट पे खिलाए क्योंकि मालूम था सामने मार रहे हैं, तो भाई बकरा फंस गया यहाँ पे बड़ा। विजय शंकर आ रहे हैं, ऑल आउट का चांस भाई डेफिनेटली बनेगा, मतलब अभी नहीं पर हाँ विकेट कुछ ज़्यादा गति से गिर रहे हैं और गेंदें बहुत पेस आ रही हैं। अवेश खान यहाँ पे ब्रेक थ्रू निकालते हुए, स्ट्रेट शॉट की मदद, रन आउट का चांस, बच गए, लास्ट टाइम 9 रन आए थे, इस बार मुझे लगता नहीं 9 भी आएंगे, दो गेंदें बाकी हैं, गैप पे मेरा टारगेट है, देखो कहाँ लगता है शॉट, मिड विकेट पे भी हर गेंद पे शॉट है लेकिन मोस्टली सीधे ही आ रही हैं गेंदें, मोस्टली सीधे ही आ रही हैं, आसान नहीं होगा हिट करना, सामने ही तो सबसे दिक्कत है भाई, आपको गेंदबाज को भी बीट कराना है और खत्म भाई ये नहीं खत्म। अवेश खान स्ट्राइक पे स्ट्राइक, एक ही ओवर दो झटके, रन बन नहीं रहे, हाल ही है कि T10 में मुझे डिफेंस करना पड़ेगा। एक बात और बता दूं, इसके बाद मैं लखनऊ बन के भी खेलने वाला हूँ, चांसेस तो दोनों में ऑन है, अब कौन स्ट्रॉन्ग टीम है वो आपकी आंखों के सामने आता हुआ, अभी मैं जब लखनऊ से भी खेल लूँगा तो आप जज कर पाओगे। डेविड मिलर आते हुए, लेफ्टी हैं, सामना मार्क वुड का हो रहा है, शॉट आज के दिन का बेस्ट शॉट यहाँ पे, अबे चार नहीं जा रहा क्या, अरे नहीं जा रहा, अरे बाप रे, तीन तो दौड़ लेना भाई, तीन दौड़ लेना, मैंने तो थोड़ा सा मतलब धीरे हो गया था मैं। अर्जुन कह रहे हैं गुड टाइट बॉलिंग है, शुभम कह रहे हैं कि वो चिल्ला दिया अचानक तो हंसी आ गई भाई, वाइड बाय के पांच मैं उम्मीद कर रहा हूँ वाइड भी होगी है, हमारा एवरेज सुधारेगी अब गेंद, बहुत ही अच्छा, पांच रन, बाउंसर भी ऑफसाइड पे आ रही, इतनी ज़्यादा समझदारी से गेंदबाजी कर रहे हैं ना लखनऊ वाले, मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई नहीं बनाने देना रन। यप फिर से आउट, ये लाइन तो समझ से ही परे भाई, मैं कहूँगा ये बात, बहुत ज़्यादा अलग गेंद आ रही है और टाइमिंग मेरा बस समझो अच्छा और ख़राब के बीच में ही है, ओके रह रहा है, परफेक्ट और गुड एकदम बस उसी के एकदम करीब करीब ही हैं, थोड़ा अर्ली खिला था मैंने इस उम्मीद के साथ कि भाई मेरे शॉट लग नहीं रहे। डेविड मिलर आउट हुए हैं, हार्दिक पंड्या आते हुए यहाँ पर, थोड़ा सा फाइन लग खेलना चाहते हैं, मुश्किल है खेलना, मुझे नहीं लगता खेल पाएंगे। सिक्स फर्स्ट बॉल यहाँ पे मैच का और 6 रन दे रहा है यहाँ पे कप्तान पंड्या के बल्ले से, ये शायद इस समय जितने लोग हैं उनमें से किसी ने नहीं सोचा होगा, मैंने भी खेलने से पहले एटलीस्ट 6 तो नहीं सोचा था, पर यहाँ पे सबको सरप्राइज किया है। फिर से टारगेट कर रहा हूँ फाइन लेग, अगर 2-3 शॉट फाइन लेग मार दिया तो पूरी फील्डिंग इनकी बदल जाएगी, पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। नहीं एक बार मार गए, मतलब हर बार मारोगे क्या, एक रन 10 गेंदों में 23 दे चुके हैं, चलो देखो भाई क्या होता है। तीसरा ओवर चल रहा है, 4 विकेट खो दिए हैं, इंजरी कोई नहीं है भाई, नहीं तो कई लोग बोलेंगे इंजरी भी है क्या कोई। विजय शंकर गैप शॉट नहीं मिला, मिलता तो मजा आती, एक रन नहीं मिला, डॉट 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 डॉट, 3 ओवर में 15 तो 30 रन तो भाई 10 का रन रेट है मोस्टली। ऑफसाइड मारूं क्या, दबाऊं क्या गेंद को, कवर पे लूं क्या शॉट, शॉट 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 शॉट, गैप है 2 तो लेंगे, रनिंग ओपी कर रहे हैं पंड्या, 2 रन यहाँ। शुभम कह रहे हैं कंप्लेन कर दो यहाँ पे, जो चिल्लाया था उसके लिए, अभी तो भाई हम लोग मैच जीत जाएं वही सबसे बड़ा कंप्लेन होगा। शॉट, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग भाई, क्या फील्डिंग एनिमेशन है, क्या बढ़िया फील्डिंग एनिमेशन है, मैं एक बार रिप्ले दिखाऊंगा, गेम खुद ब खुद दिखाना चाहिए गेम को ही, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड भाई यहाँ पे,
कितना बढ़िया मतलब भाई एकदम रियलिस्टिक। ये देखो पूरा कैरी किया है गेन को, ऐसा नहीं कि खाली हाथ लग गया पंजा लग गया रुक गई गेंद, उसको पूरा दबाया है गेंद को अच्छी तरह से। एक क्लीन चौका था ये, ऑफ साइड पे। हाँ थर्ड मैन पे गैप है नहीं एक्चुअली, आपको गैप ढूंढना, गैप तो हर जगह ढूंढना है, गैप तो हर जगह ढूंढना है। खत्म खत्म, वही गैप लेने का चक्कर भाई। रन रेट अगर आपको जीतना है तो रन बनाने पड़ेंगे, रन बनाने हैंगे तो भाई आपको विकेट का रिस्क दांव पे लगाना पड़ेगा। वही क्या हार्दिक पंड्या लेट कट खेलने गए, सोचा तो थर्ड मैन के ऊपर से जाएगा। इस गेंद के पहले ही मैंने बात की थी कि थर्ड मैन कहीं ना कहीं मेरे मन में चल रहा है और भारी पड़ गया। राहुल तेवटिया यहाँ पे आ रहे हैं, स्पिनर्स के आने से पहले ही वाट लग चुकी है मेरी। स्पिनर्स कब आएंगे, उनके सामने क्या परफॉर्मेंस करेंगे वो तो मुझे नहीं पता। बाउंसर, ये तो बहुत बाउंसर है, बहुत ज़्यादा बाउंसर है। वाइड नहीं दी लेकिन वैलिड गेंद कही गई है। अवेश खान भाई पता नहीं, मेरे को लगता है अवेश ऐसा खेलेंगे भी पता है ये आईपीएल में, क्योंकि टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन हो चुका है। बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे खेलने के लिए। चार रन, तेवटिया का मैजिक दिख जाए तो मज़ा आ जाए अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। चांस कम लग रहे हैं लेकिन चलो। अब मैं बता दूं इसके बाद एक और मैच है, उसमें हम लखनऊ बनेंगे, तो अगर गुजरात की हालत ये हुई है तो लखनऊ की भी कुछ ना कुछ हालत तो होगी ख़राब। बस ये फ़ायदा है कि मैं 10 ओवर खेल चुका हूँ तो बैटिंग शायद अच्छा करूँ उससे। मैदान बदलेगा, इकाना स्पोर्ट्स में खेलेंगे हम लोग लखनऊ के मैदान में। अभी हम खेल रहे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, पर दोनों अनऑफिशियल हैं, टीम भी अनऑफिशियल है, प्लेयर भी अनऑफिशियल है। गैप तो ऑफसाइड पर ही है भाई। जेसन होल्डर भाई, इसकी तो बाउंस ही भयानक आएंगी, इसकी तो बाउंस ही भयानक आएंगी, मैंने कहा ना। 133 का पेस, लाइन लेंथ बहुत ऑसम डाला है भाई इन्होंने, पूरी पूरे पूरे मैच में लाइन लेंथ बहुत अच्छी डाली है। ये इनका सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ है। फिर अर्ली जा रहा है, अभी 130 के आसपास कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि 140 तक खींचेंगे स्पीड, इसलिए मैं थोड़ा अर्ली खेल रहा हूँ। लेफ्टी आया है, लेफ्टी के फील्डिंग सेटअप बहुत बढ़िया है भाई। स्लॉट में दे दें गेंद, 6 लगाना चाहता हूँ यहाँ पे। एंगल में बाहर गेंद, नहीं लग नहीं रहा जेसन होल्डर कर रहे हैं भाई। ये जेसन होल्डर वो वाले नहीं जिनको मैं जानता हूँ, ये तो इतनी तेज और इतनी बाउंसर डालते हैं ना कि आप हक्का बक्का रह जाओ भाई। यहाँ पे हक्का बक्का जेसन होल्डर हक्का बक्का लग रहे हैं, वो नहीं। एम्पायर को अनऑफिशियल बना दो भाई गेम। हाँ एम्पायर एक्चुअली बिग एंड के ऑफिशियल एम्पायर हैं, रियल में नहीं है। ये दोनों बिग एंड में हैं दोनों एम्पायर, एक सीईओ हैं और एक मार्केटिंग संभालते हैं, ऐसा कुछ है माइक मैरन करके। और पेस कम कर रहा है, और पेस कम कर रहा है यहाँ पर। पेस धीरे धीरे करते करते 127 ले आया बंदा, और मेरे को लग रहा है 140 करेगा कभी भाई। सिर्फ 2 रन दिए हैं, एजेस दे दिया है, लकी रहे यहाँ पे कि गिर गई है पहले। पूरी ओवर में इनका हम लाइन लेंथ ही नहीं समझ पाए यहाँ पे। रवि बिश्नोई, चलो भाई फाइनली स्पिनर आ गया, लेकिन एक दुविधा है कि भाई आप कैसे मारोगे शॉट, क्योंकि लेग स्लिप भी रखी गई है। रिक्वायर रन रेट हो गया है पर गेंद 3 से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 3 से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे मेरे को लग रहा है। पॉइंट पे या तो शॉट लो या तो फिर लॉपटेड तो लेना ही पड़ेगा। शॉट 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 शॉट, ज़्यादा दूर जा पाएगा कि नहीं वो तो नहीं कह सकता मैं। 2 रन, रन रेट, हाँ भाई रन रेट 18 के ऊपर हो चुका है, रन रेट 18 के ऊपर हो चुका है, पर गेंद आपको कम से कम यहाँ से 3 रन तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी शॉट ले लो आप। yep. ग्राउंड शॉट, रिस्की, रेंद 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 रेंद, आउट, खत्म खत्म खत्म। मैं रन दौड़ाया था लेकिन आप बहुत बहुत आगे निकल गए थे हम लोग, वापसी का कोई चांस नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि मैंने राहुल तेवटिया का विकेट गंवा दिया जो कि लेफ्टी थे, तो अब मेरे पास कोई लेफ्टी बचा है नहीं। गुजरात यहाँ से अब सर्वाइवल के लिए खेलेगा, देखना होगा कि सेकंड टाइम मतलब इसके बाद वाले मैच में जब गुजरात की बॉलिंग आती है तो वो क्या परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पर डोमिनेट कर गया है, खत्म। एक और विकेट, एक और विकेट, एक और अर्ली विकेट्स गंवाते हुए यहाँ पे।
अगर आप मेरे से पूछेंगे भाई क्या डिफ़िकल्टी रही है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा अग्रेशन एआई का कम करना चाहिए। डिफ़िकल्टी अभी थोड़ी ज़्यादा है, एआई अग्रेशन ज़्यादा खेलता है, और विकेट चांसेस एआई के मुझे थोड़े और कम करने चाहिए, मतलब 30 कर देना चाहिए, तब जाके मैच बराबरी पे बैठेगा। और ज़्यादा कम करना चाहिए, 20 करना चाहिए मेरे ख्याल से, पर ठीक है 30 रखता हूँ मैं। रशीद खान ये हाँ, एक तरफ हमारे स्पिनर्स चले ही नहीं, यहाँ पर आते ही रवि बिश्नोई ने दो बैक टू बैक विकेट निकाल लिए हैं। 45 पे 7, 10 ओवर का मैच है इसलिए थोड़ी सी इज्जत लग रही है, नहीं तो अगर T20 होता तो बहुत बुरी तरह से दिक्कत हो जाती। पैरों पे एलबी आउट यार, आउट प्लम्ब है, नीचे रह गया गेंद। अच्छा हाँ, हैवी क्रैक है भाई, अरे बाप रे, DRS लेना तो बेकार है तो मैं ले नहीं रहा। प्लम्ब एलबी होते हुए गेंद नीचे रह गई थी, तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, बचता ही नहीं है कोई। हम ले रहे थे शॉट सही, पर उनको शायद बैकफुट खेल फ्रंट फुट खेलना था, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अब दो विकेट्स बची हैं, कृष्णप्पा गौतम आ रहे हैं और हमें सर्वाइव करना है। टोटल 24 गेंदें, अगर यहाँ से देखो जीतने के चांस तो अब लगभग ख़त्म ही हैं, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर क्या होगा, देखो क्या बनती है बात। स्क्वायर खाली हो गया है, फाइनल खाली हो गया है यहाँ पर। स्ट्रेट शॉट, फिर से रन आउट का चांस, खत्म। बहुत बड़ी गलतियां कर रहा हूँ मैं, आधा तो मैं भाई रन आउट के कारण ही गया हूँ यहाँ पे, चार चौथी विकेट रन आउट गई मेरी। आउट भाई, वो लेता ही नहीं था लगता है। फिर चिल्लाया ये, हाँ लॉकी फर्ग्यूसन, 22 गेंदें सरवाइव करना इस वक्त का सबसे मुश्किल टास्क, क्या गुजरात टाइटंस सरवाइव कर पाएगा? और चलो कर भी गया अगर मान लो, तो क्या अगले मैच में गुजरात टाइटंस लखनऊ की हालत ऐसी करेगा जो हालत उसकी हुई है? क्योंकि अभी पिच सेटअप रैंडम होगा, जब पिच सेटअप रैंडम होता है तो भाई हो सकता है बैटिंग पिच आ जाए, वो सपना अधूरा रह जाएगा। 49 यहाँ पे कृष्णप्पा गौतम, एक रन आउट के रूप में उनके ओवर में विकेट आया है। उधर अवेश खान ने अच्छी गेंदबाजी की, फिर से स्ट्रेट शॉट पर दम नहीं है शॉट में, वो दम की बात नहीं है एक्चुअली, प्लेयर की रेटिंग बहुत कम है, दम की बात नहीं है भाई यहाँ पर। RCB का रिकॉर्ड टूटेगा क्या भाई? RCB का कोई रिकॉर्ड नहीं, दिस इज अ T10 मैच भाई, T10 में हाँ RCB का कोई रिकॉर्ड हो तो बताना, मुझे नहीं लगता कि RCB का T10 में कोई रिकॉर्ड है, तो RCB का रिकॉर्ड को कोई दिक्कत नहीं है। एक और स्पिनर का ओवर आया, रवि बिश्नोई 4 रन देकर 2 विकेट, मैंने स्टांस अपना ओपन कर दिया, पूरा लेग साइड खाली है और उसी का फ़ायदा हम उठाएंगे। थोड़े से रन यहाँ से बनाने वाले हैं हम लोग, 18 गेंदों में अगर हम लोग मान लो 28 का रिक्वायर रन रेट है भाई, नहीं हो पाएगा यहाँ पे। इसका कंप्लेन आप ही कर दो भाई, मैं तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी नेक्स्ट मैच भी है हमारा। यस 6 भाई, कहाँ था ये तेरा फॉर्म, क्या आउट हो रहा है? अरे 6 रन, आइडियल टाइमिंग खेलो तो क्या नहीं हो सकता भाई। 6 स्क्वायर से, वो भी नॉट अ फाइन लेग शॉट, स्क्वायर से पकड़ा था गेंद को, नीचे रह रही है। अगर 28 रन मार जाता हूँ मैं इस ओवर में तो भाई अंत की 2 ओवर में रोमांचक भी हो सकता है मैच, मुश्किल है लेकिन अंत की 28 मारना, वही थोड़ा सा बैड लक भी काम कर सकता है यहाँ पर। लॉकी फर्ग्यूसन भाई, हर बार लेग साइड मारना पॉसिबल नहीं है, स्ट्रेट लेना चाह, गेंद जैसी आएगी वैसे खेलेंगे हम लोग, अभी फाइन लेग पे गैप है इसलिए फाइन लेग का सोच के खेल रहे हैं, लेकिन गेंद अगर ऑफ साइड आएगी पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत गलत जा रहे हैं शॉट। फाइनल लग आ चुका है, स्टांस नॉर्मल करते हुए, गैप की बात करो तो पॉइंट कवर के बीच में एक गैप है, पर पेस बढ़ाते हुए भाई रवि बिश्नोई का कमबैक, छक्का खाया चौका खाया लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुई इनको, ओवर इन्होंने निकाल दिया है, उसके अलावा कोई बड़ा डैमेज दे नहीं पाए। रशीद खान सामना कर रहे हैं, T10 में लीव कर रहे हैं गेंदों को, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं, लीव करना पड़ेगा भाई, कोई तरीका नहीं है मेरे पास। रशीद खान 5 गेंदें 3 रन भाई, खत्म। मैं कंफ्यूज था लीव करूं क्या करूं, और उस चक्कर में यहां पर गेंद किनारा लेके जा चुकी है, DRS लेने का मतलब नहीं।
वेरी डिसअपॉइंटिंग भाई, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग। और उसका मैं रीज़न दूंगा कि शुरू के 4 ओवर तो बहुत कड़क गेंदबाजी की है, मतलब ऑफ साइड खेलने ही नहीं दिया मुझे, कोई मौके ही नहीं दिया कि बेटा तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। लखनऊ सुपर जायंट्स 1/76 रन्स। अब जवाब यह है कि अगला मैच जब होगा, इसके बाद हम लोग लखनऊ बन के अब खेलने वाले हैं इकाना में, अब देखना होगा कि लखनऊ वाले बन के गुजरात क्या रिस्पॉन्स देते हैं, गुजरात का बॉलिंग लाइनअप कैसा परफॉर्मेंस करता है। एक परिवर्तन ये होगा कि मैथ्यू वेड इन होंगे, बस मैथ्यू वेड को मैं इन करूँगा अगर मैं भूला नहीं तो। सुरेश रैना को मैं इस मैच में मतलब बाहर रखूँगा, क्योंकि वो डिसाइड नहीं है, फाइनल नहीं है कि वो होंगे नहीं होंगे रियल में, तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि हम लोग चेंज कर दें वो, तो एक परिवर्तन ये होगा। बाकी सब कुछ टीम एक जैसे ही रहेगी, बैटिंग बॉलिंग ऑर्डर ऑर्डर सब, बस बैटिंग ऑर्डर में 1 डाउन आएंगे यहाँ पे। भाई इंडिया श्रीलंका टेस्ट का अभी तो कोई मॉम है नहीं भाई, लग नहीं रहा आएगा, क्योंकि रिस्पांस लाइव स्ट्रीम में भाई बहुत डाउन है, इस कारण से वो एफर्ट वो दिखता नहीं है भाई, असर नहीं दिखता। फिर अभी RC22 का ट्रेलर आने वाला है, देखो क्या होता है। बाकी मेन दुविधा यही है भाई कि जब या तो फिर मुझे मतलब इन दी एंड सिंपल सा फंडा ये है कि टेस्ट मैच का अभी कोई प्लान है नहीं, क्योंकि बीच में 5 दिन तो होगी भी नहीं लाइव स्ट्रीम जब टेस्ट मैच आएगा तो आज हम करेंगे, कल देखो कल कौन सी वीडियो आती है कल। और थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है मैच आज का ये वाला, मेरे ख्याल से मेरा लाइव स्ट्रीम का ही सबसे ज़्यादा निराशाजनक मैच, अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। डिफ़िकल्टी यही रहेगी भाई, अगर आपको समझ में आ रही है बात कि डिफ़िकल्टी यही रहेगी, दोनों टीमें सेम सिनेरियो में खेलेंगी, दोनों टीमों का परफॉर्मेंस आप जज कर पाओगे ऐसे कि हाँ भाई बॉलिंग किसका अच्छा है बैटिंग किसका अच्छा है। अभी आपने देख लिया कि भाई अगर हम लखनऊ से बैटिंग करवाते हैं और गुजरात से हम लोग खेलते हैं तो क्या होगा, ये हाल होगा। लखनऊ हमारे सामने 136 मार गई गुजरात की बॉलिंग पे और 160 पे आउट हुआ है, मैंने तो मैच खेल रहा हूँ। अब उल्टा होगा, सेम सिनारियो उल्टा होगा, बस न्यू मैच, हम बनेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स। लाइनअप में एक बदलाव होगा, बताता हूँ क्या। सुरेश रैना की जगह आएंगे मैथ्यू वेड और 1 डाउन ही आएंगे वो, बाकी मैं कुछ बदल नहीं रहा, ठीक है, बाकी सब कुछ परफेक्ट ही है, कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैदान बदल देंगे हम लोग, मैदान हम बदलेंगे, हम रखेंगे इकाना मैदान, जो इकाना वाला मैदान था वो रखेंगे हम लोग। कहाँ गया भाई, अबे स्टेडियम बदलने का ऑप्शन कहाँ गया, इसमें तो दिखा, अच्छा यहाँ आता है, मैं तो डर गया भाई कि ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, कहाँ गया भाई इकाना, ये रहा इकाना क्रिकेट ग्राउंड T10। डिफ़िकल्टी भी सेम, मैच सेटिंग इसमें ये बदलेंगे हम लोग, बारिश नहीं रहेगी, एम्पायर बदलेंगे खाली, मेलबर्नी और माइक मैरन आए हैं। और पिच सेटिंग ये तो भाई रैंडम है, तो ये तो रैंडम ही रहने वाला है, या फिर सेम रखते हैं मज़ा आएगा, ड्राई रखते हैं जो था वही, अब मज़ा आएगी भाई। चलो सब कुछ रेडी है, रेडी टू प्ले हैं, चलो 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 चलो। और हाँ, टॉस जीतते हैं तो कोशिश करनी है कि पहली बैटिंग आए यहाँ पे, मतलब सामने वाले की बैटिंग आए, हम बॉलिंग करेंगे पहली, मुझे टॉस जीत के बॉलिंग लेना है यहाँ पे। कमेंट में स्मैटी, जितेंद्र, शांत, टीच, कूल, अनिकेत, अंकुर, बढ़िया भाई, जुड़ने के लिए शुक्रिया सभी का। भाई लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार वीडियो पे, और VR का गेम प्ले हमारा आता है तो मॉर्निंग में देख लिया करो यार, नहीं तो कई लोग तो पूछते हैं भाई कि VR का गेम प्ले कब आएगा, अब मैं क्या जवाब दूँ भाई। लेट्स प्ले, अभी के लिए लेट्स प्ले करते हैं। मैदान हाइट बॉडी तो मुझे लग रहा है हाइट वाइट मतलब सेम ही लग रही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं लग रहा मैदान में, देखो क्या होता है अब यहाँ पे, क्या बनता है फंडा। अरे ये तो नया एनिमेशन आया, फील्डिंग करा रहा है बंदा, थ्रो वाली फील्डिंग, दो बच्चे नहीं आमने सामने खड़े हो जाते हैं फिर बॉल फेंकते हैं, वैसा था कुछ। टीम सेम है सिवाय रैना बाहर है, मैथ्यू वेड इन है, बस बाकी सब कुछ सेम है। 12th मैन कौन था भाई, वो तो अब थोड़ा सा पीछे चला गया, आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा माइक्रो सेकेंड पीछे करो, सेकेंड एक दो सेकेंड अब तो मिल जाएगा आपको। नील कह रहे हैं लाइक कर दिया भाई, बढ़िया। टेल्स टॉस जीतते हो तो बॉलिंग, गुजरात बैटिंग करेगा अगर हम जीतते हैं तो, प्लीज़ जिता दे, ठीक है, बॉलिंग 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 भाई बिंदास। यो भाई दोनों बार टॉस लखनऊ जीता, दोनों बार नहीं, पिछली बार बैटिंग ली थी, इस बार बॉलिंग ली है, ठीक है, अच्छा है। गुजरात को कितनी रेटिंग दोगे, पता नहीं भाई, आपके सामने है, आप गैस कर सकते हो यहाँ पर कितना रेटिंग बन रहा है, आप लोग खुद जज कर लेना ना भाई। अभी मैं बॉलिंग करने आ रहा हूँ, और हाँ फील्डिंग सेटअप हम 3 प्लेयर रख सकते हैं,
अभी मैच का रिजल्ट आपके सामने आएगा भाई दोनों मैचों का, तो आप आमने सामने रख के जज कर सकते हो कि हाँ भाई कौन सी टीम स्ट्रांग लग रही है कौन सी वीक लग रही है। मिड विकेट नहीं रखना मुझे, कवर पे रखना है। तो कुछ इस तरह की फील्डिंग सेटअप के साथ जा रहे हैं हम लोग। 30 यार्ड तो रखो सारे। एक फील्डर कहीं ज़्यादा आ गया, इसको भाई फाइन लग रख दो। बढ़िया, लेट्स सी। यहाँ तक कि पिच सेटअप भी सेम है भाई, यहाँ तक कि पिच सेटअप भी सेम है। अब आएगा मज़ा। फर्स्ट बॉल बिग हिट, शुभमन गिल वर्सेस मार्कवुड। लास्ट टाइम तो भाई कर नहीं पाया था, गुजरात बदला, इस बार रिवर्स हो गया है रोल। मैं लखनऊ बन के खेल रहा हूँ, गुजरात AI बन के खेल रहा है। तो सेम सेटअप, सब कुछ सेम है। देखते हैं कितना पिटाई होती है या कितने रन मारता है। घूम फिर के कह सकते हो कि 136 का टारगेट है गुजरात के पास इस मैच में। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज 136 का टारगेट है। 12th मैन मुझे नहीं जानना भाई, मैंने नहीं ध्यान दिया। कमेंट में भाई जो 12th मैन पूछ रहे थे आपके दोस्तों ने कमेंट में डाल दिए नाम। मुझे लग रहा है पता है क्या कि लखनऊ अच्छी गेंद करेगा, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। 136 तो नहीं मानने देगा AI को। मैं ऐसा ही मान के चल रहा हूँ कि अगर गुजरात टाइटन्स को लखनऊ से जीतना है तो 136 मानने होंगे। लखनऊ को अगर गुजरात से जीतना है तो फिर उसको 60 से ऊपर करने होंगे। ओ लेट कट, वाह बेटा वाह, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे लेट कट के रूप में 4 रन बटोरते हुए यहाँ पर। और मैं बात कर दूँ तो हमने दो, ये हमारा दूसरा मैच है आज की लाइव स्ट्रीम का, जिसमें पहले मैच में 136 मारे थे लखनऊ ने, और फिर गुजरात बैटिंग करने आया हुआ है। रन लेगा, रन आउट चांस है, मार दे स्टंप पे यार, लेट हो गया। तो 136 अगर मारता है तो AI वर्सेस AI में लखनऊ विल बी द विनर, अरे गुजरात विल बी द विनर। अगर 136 प्लस मार जाता है तो चांस थोड़े कम लग रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों लक्षण नहीं लग रहे हैं, क्योंकि लॉफ्टेड नहीं खेल रहा लखनऊ तो शुरू से ही मार कर रहा है। पहली ओवर समाप्त होती हुई, अवेश खान आ रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ हमारे सामने जम के गेंदबाजी की थी, सबसे सफल गेंदबाज रहे थे भाई। बहुत बढ़िया गेंद कर रहे हैं यार, लखनऊ लुक्स स्ट्रांग। अरे बॉलिंग करते वक्त तो यही फील आ रहा है मुझे, बाकी अब देखो क्या होता है। स्पैम मत करो भाई, हो सके तो हटा दिया है, पर मैं नॉर्मल कह रहा हूँ यार। शुभमन गिल भाई मारो, अरे मैं चाहता हूँ चैलेंज दे यार पूरा, वो चैलेंज नहीं दे रही यहाँ पे गुजरात। मतलब एक चैलेंज की जो उम्मीद करता हूँ ना मैं 136 लेके चल रहा हूँ मैच में कि भाई 136 मारेगी सामने वाली टीम। और पहला लॉब टेड जो कि लंबे चौड़े जेसन होल्डर के पास जाता हुआ। अब होल्डर पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, और लेके अंदर चले गए गेंद को, पकड़ा है लेकिन अंदर लेके चले गए, 6 रन दे दिया यहाँ पे। भाई ये चीज़ तो लक पे रहती है कई बार, ऑलमोस्ट लक पे रहती है। हाइट बॉडी, कितनी ऊंचाई से पकड़ा, क्या एटीट्यूड है, क्या अल्टीट्यूड है, वो सब डिपेंड करता है खिलाड़ी का जो नीचे आती है। चलो भाई, रिद्धिमान साहा 3 गेंदों में 6, अवेश खान रन आउट, छूले खाली गेंद को। अबे छुआ भी नहीं गेंद को, झुका भी नहीं, अब थ्रो मार रहा है, उसमें भी ओवर थ्रो जा रही है यार। अरे यार, स्ट्रेट शॉट, ये लगा है कोई शॉट। 4 रन, 23 रन्स, 12 का रन रेट से अभी भी थोड़ा कम है। कम से कम भाई 13 का रन रेट तो इनको हासिल करना होगा जल्दी से जल्दी, अगर इनको 136 जाना है तो। कमेंट आ रहा है कि लाइट कैसे चेंज करते हैं, भाई मैंने उसका एक वीडियो बनाया है, आप चैनल पे देख सकते हैं। बैकफुट, अरे ये 2 रन के मूड में। जतिन बोल रहे हैं बोलो ना भाई, रियल जर्सी है क्या भाई? जब रियल जर्सी आया नहीं तो कहाँ से रियल जर्सी आ जाएगा भाई, ये तो समझने वाली बात है भाई। अजीब सी कमेंट है भाई, इस समय किसी को नहीं मालूम असली जर्सी कौन सी होगी। किसी को नहीं मालूम भाई, जब तक आप ऑफिशियली ट्विटर फेसबुक और वेबसाइट पे नहीं देख लेते, उसके बाद तो जिसने बनाई है सब रैंडम ही है भाई। एजे स्लिप मौजूद नहीं है, किनारा लेके चार जाती हुई लग गई ना वाट। किस्मत दे रही है साथ।
लखनऊ को ज़्यादा दिया था, लेकिन लखनऊ को ज़्यादा दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो सुबह रन रेट 11.2, तीन गेंदों में 5। मैं मानता हूँ अच्छी ओवर जा रही है, ये एजेस दे रहे हैं, शॉट्स लग नहीं रहे बड़े। चार गेंदों में एक भी शॉट इनका लगा नहीं है प्रॉपर, जो कहते हैं प्रॉपर बल्ले से मिडलिंग करके मारना। मुझे लग रहा है कि भाई लखनऊ इज़ स्ट्रॉन्गर टीम दैन गुजरात अभी तक। मैंने टोटल 23 ओवर खेल लिए, मतलब 10 ओवर पहली इनिंग, 10 ओवर दूसरी इनिंग फर्स्ट मैच के। ओ साहा का गैप शॉट, लेट कट, पॉइंट पर से 4। रिप्ले दिखाओ यार इसका, ऑसम 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 ऑसम। इस तरह के शॉट खेलने के लिए भाई आई सेट होना चाहिए परफेक्ट। 4-4, 8-2, 10 बैकफुट, अजीब खेल रहे हैं यार। कुछ शॉट बैकफुट खेलते हैं बहुत बुरी तरह से, फिर फ्रंट फुट खेलने लगते हैं, अजीब है भाई इनका। मीरा नौगरे कह रहे हैं आप शुरू से अटैकिंग खेलो, आप ओनली लॉफ्टेड शॉट। तो भाई उसके लिए तो वीडियो देखनी पड़ेगी आपको थोड़ा सा। आप दो लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते भाई। AI प्लेइंग डिफरेंट गेम, आई एम प्लेइंग डिफरेंट गेम। दोनों के कुछ अलग अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, AI के अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, मेरे अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। पिछली ओवर में तो कुछ भी नहीं चला मेरा, लेकिन अभी मैं कहूँगा ये बात। गैप शॉट, ग्राउंड शॉट, गैप शॉट, एक ही रन आता हुआ। अवेश 8 गेंदों में 14 रन, ठीक है अच्छी तो नहीं है गेंदबाजी, पर इन दी एंड दो ओवर क्या करते हैं। और हाँ फिर से मेरे ध्यान से निकल गया, कोई बात नहीं, दो ओवर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास गेंदबाज बहुत हैं भाई। अंश कह रहे हैं कि साहा कह रहे हैं कि रुको जरा सब्र करो भाई, लेकिन 10 ओवर के मैच में सब्र का वक्त है कहाँ। 10 विकेट आपके पास जमा है, चौथा ओवर चल रहा है, विकेट एक भी खोई नहीं है आपने। पलड़ा आपका भारी है, और अब यहाँ पर साहा का ये शॉट भारी, 6 रन। रन रेट अभी हाँ कह सकते हो आप 10 के ऊपर तो जा चुका है, 11 के आसपास कहीं है, 11, 11.5, 11, 11.5, 11 के आसपास। दो गेंदों में अगर एक चौका लगाते हैं तो इट विल बी आई थिंक गुड यूज़ ऑफ द ओवर, अदरवाइज अगेन आई विल से इट्स अवेश खान ओवर। क्योंकि अगर आप 12 रन भी देते हो ना, 136 का टारगेट करना है चेज। नौ बॉल, ये गलती कर दी अवेश ने, बढ़िया गेंद था, डॉट गया था। वाइड यॉर्कर ट्राई कर रहा हूँ मैं, आप लोग कब से कह रहे हैं वाइड यॉर्कर ट्राई करो, वाइड यॉर्कर ट्राई करो। दो फील्डर कवर पे हैं, लॉफ्टेड मारेगा पक्का है, लेकिन वो लॉफ्टेड क्या होगा उस पर सबकी निगाहें, और वो निगाहें जाके रुकेंगी बाउंड्री के पार 6 रनों के। और ये ओवर रिद्धिमान साहा ने गुजरात टाइटन के नाम ला के कर दिया है, खड़ा रख दिया है। लॉफ्टेड शॉट, फ्री हिट था, बिंदास खेला है, स्लोअर ट्राई कर रहा हूँ, फिर से वाइड यॉर्कर दे रहा हूँ। टोटल रन इस ओवर के हो गए 14, जो कि 136 के लिए एकदम परफेक्ट है। अवेश का ओवर समाप्त, होल्डर और मेयर्स आ रहे हैं एक मिनट, मेरे पास स्पिनर में कौन है, गौतम है, तो मैं गौतम को ट्राई कर रहा हूँ एक मिनट। अबे बॉलर क्यों नहीं चुनने दे रहा मुझे, अच्छा आ गया कृष्णबा गौतम आ गया, ठीक है भाई लेट्स प्ले। 47 रन, 4 ओवर, फुल शॉट, डॉट। टोटल अगर आप रन रेट में कन्वर्ट करते हो तो 12-4, 48 होता है, तो 12 का रन रेट है नहीं अभी, और ऊपर से यहाँ पर पहली गेंद जा चुकी है डॉट, दूसरी में लगी है एज और झपेटे में आ गए यहाँ पर कीपर के, एक आसान कैच यहाँ पर देते हुए कीपर को, थोड़ा सा ट्रिकी लगा है वो कैमरामैन के कारण, वो आसान कैच था, वो कैमरामैन के कैमरा एंगल ने इसको दिखाया कि टफ है, लेकिन टफ नहीं था, ये हल्का सा एज था, हल्का सा आगे गए जाके झपट लिया कैच क्विंटन डिकॉक ने। शुभमन गिल आउट हो गए, 15 गेंदों में 22, अच्छी बैटिंग नहीं है ये। मैथ्यू वेट, चलो ठीक है, कमेंट में बहुत देर से आया था भाई मैथ्यू वेट को क्यों नहीं खिलाया, लो भाई आ गए मैथ्यू वेट, अब देखो क्या करते हैं आपके मैथ्यू वेट, कब से इंतजार चल रहा है भाई मैथ्यू वेट। कमेंट में बहुत फ़ैन है इनके, पता नहीं फ़ैन है कि एक मैच के कारण फ़ैन है, पर इनको देखना चाह रहे थे कि बैटिंग में क्या करते हैं, चलो चेक करते हैं। कैच, अभी कर ले, साहबी गॉन अगली गेंद पे, लास्ट टाइम कैच ड्रॉप नहीं, मतलब छूट गया, थोड़ा सा दूर रह गया था लास्ट टाइम जब हम गुजरात बन के बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे लखनऊ बन के हमने ये मुश्किल कैच को कैरी करके दिखाया लास्ट मोमेंट पे, मजा आ गई भाई, मतलब हारती हुई गुजरात भाई, सीधी सी बात है यार, आप जज कर लो अब दोनों टीमों को। बॉलिंग डिपार्टमेंट में विदाउट अ डाउट
इस समय लखनऊ लुक्स स्ट्रॉन्गर, बैटिंग में भी लगभग तो मुझे लग रहा है बैटिंग में भी कुछ बड़ा नहीं कर पा रही यहाँ पे स्पिनर्स के सामने, गुजरात की बात कर रहा हूँ। एचेस बड़ी वाली यार, गैप में फिर से चार, रुकेगा 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 यार, रोक ले यार, मिस कर गया। हाँ मैथ्यू वेड आए हैं भाई, ये बंदे आपका फेवरेट बंदा तो भाई एजिस से रन मार रहा है, क्या कहोगे भाई मैथ्यू वेड को, आप कहाँ कितना रेटिंग दोगे? ही इज ही अ गुड प्लेयर, मतलब आप जिसको अपनी टीम में लोगे अगर आपकी आई पी एल टीम हो कि नहीं? yep. मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास ऑप्शन में यार, मार 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 तेजी से, यार तेज था, और तेज होने की जरूरत है। ठीक है मैं और स्पिनर को ढूंढ रहा हूँ, के पंड्या, चलो भाई कमेंट में के, हाँ एक बात बता दो, के पंड्या का भी बहुत देर से इंतजार हो रहा था और मैथ्यू वेड का भी इंतजार हो रहा था, अब देख लो भाई दोनों में से कौन आ गया फर्स्ट बॉल पे, तो भाई पूरी तरह से अरे हाँ पूरी तरह से पंड्या आगे निकलते हुए, एज गॉन आउटसाइड, एज मैथ्यू वेड गॉन, सेम डिफिकल्टी लेकिन तीन झटके यहाँ पे गुजरात ले गई, भाई स्ट्रांग है बहुत, कड़क बहुत, लखनऊ स्ट्रांग लग रही है भाई इस रिव्यू के बाद, अगर मैच जीत गई तब तो अलग ही ले हो जाएगा भाई पूरा, मतलब कंपैरिजन रहेगा ही नहीं। मैथ्यू वेड यहाँ पे पांच गेंदों में सिर्फ छः बनाकर, डेविड मिलर यहाँ पे आ रहे हैं शून्य पे खेल रहे हैं, ये भी लेफ्ट हैंडेड है, अरे यार दिशा दिखा दी, चहल को लाने को कह रहे हैं, अभी ला रहा हूँ भाई चहल को यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है साइड चेंज करेंगे हम लोग, एज गॉन, विजय शंकर भी गॉन भाई, ये कुणाल पंड्या क्या करके आए हैं, हार्दिक पंड्या नहीं भाई आज के पंड्या करके आए हैं, एच पंड्या नहीं के पंड्या करके आए हैं, मैं बता दूं इनका रियल वाले वो बीसीसीआई वाले पंड्या से कोई संबंध नहीं है, अगर संबंध पाया जाता है तो उसे मात्र मात्र एक संयोग कहा जाएगा। विजय शंकर भी गोल्डन डक पर ही पवेलियन जाते हुए, हार्दिक एच पंड्या 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 ब्रदर्स ब्रदर्स भाई भाई नहीं रहा इस आईपीएल के, इस आईपीएल नहीं समार इस गेम के कारण, फर्स्ट बॉल 6 रन, ओ माय गॉड ये तो जम के पड़ी भाई, जम के पड़ी कुछ ज़्यादा ही जम के पड़ी भाई, एच पी वर्सेस के पी यहाँ पर, अरे बाप रे, और चक्का छोड़ेगा नहीं अपन भाई, भाई को नहीं छोड़ेगा भाई यहाँ पे, द गेम इज सेट, इतना गुस्से में भाई देख ही नहीं रहे बॉलर की तरफ, वो बेचारे डर गए हैं डिकॉक पीछे भाई, उधर देखो सामने नहीं देख रहे, सामने नहीं देख रहे, हर दिशा में देख रहे हैं, सिर्फ जहाँ बॉलर गेंदबाजी करता है उधर नहीं देख रहे, एक गेंद बाकी है ना, अरे यार गौतम आ गए, चलो कोई नहीं एक ओवर बाकी है भाई, पंड्या को रखना जीवित, मजा आएगा गेम में, फुल शॉट, गैप 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 रन आउट, ठीक है भाई मजा आने वाली है बहुत ज़्यादा, अभी अगली ओवर में और मजा आने वाली है पक्का यहाँ पर गारंटी। ओ गेम इजी लग रहा था, ऐसा लग रहा था स्पिनर्स यहाँ पूरी तरह से डोमिनेट कर देंगे, लेकिन डेविड मिलर ने भी एच पंड्या की तरह ही बिग हिट से शुरुआत कर दी है, दूसरा गेंद 6 रन जाता हुआ, पहले पे तेज खेला था लेकिन गैप ही नहीं मिला था तो बेचारे मिस कर गए। एक रीज़न और भी हो सकता है कि मैं एक जैसी गेंदें डाल रहा हूँ, हो सकता है ये समझ में आ गया इनको कैसे खेलना है, पॉइंट पे शॉट ग्राउंड शॉट 4 रन ले लिया यहाँ पे, 80 पहुँचा दिया स्कोर की 76 देखना पड़ेगा, 80 हो गया मेरे ख्याल से, पर कितना तेज शॉट मारा इन्होंने ये, और 76 हुआ भाई, थोड़ा मिडल पे डाल लें गेंद, फील्डिंग सेटअप चेंज करने की नौबत ही नहीं आई, रन रेट 12 का जाता हुआ होने वाला है, मतलब अब नहीं जाएगा, मार देते छक्का तो हो जाता, सही है गेंद कंटिन्यू करो भाई, 6-4-10 कोई नहीं भाई, 10 नहीं है ना अभी, बाकी की 2 गेंदें अच्छी कर दो, एजेस बहुत अच्छे, मुझे विश्वास है भाई इन पे, आप भले कई लोग कमेंट में कह रहे हैं कि इनको हटाओ उनको हटाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतने रन तो पड़ते ही हैं आपको, नॉर्मल है यार ये, कोई दिक्कत नहीं भाई, सही जा रहे हो बहुत अच्छा भाई, मेरी उम्मीदों पे सिर्फ 11 रन दिए भाई, इतना तो एवरेज नहीं था किसी गेंदबाज का पिछले मैच में, 12, 12.5 और 13, 14 का रन रेट था, अब आएगा मजा, अरे यार स्ट्राइक रोटेट हो गया, ये तो गलत हो गया भाई, जल्दी स्ट्राइक रोटेट करो, हमें एच पी वर्सेज के पी देखना है, कैच 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 कैच, फ्लैट फ्लैट फ्लैट, 6 रन, अरे यार
हाँ कुछ अलग करना है, साइड चेंज करो, और कोई मतलब नहीं हमें, कोई मतलब नहीं भाई, साइड चेंज करते हैं। कमेंट में हम लोग यहाँ पर साइड चेंज करते हैं। प्लान सिंपल है, एंगल ऐसा बनाना है कि स्ट्रेट ना, अभी देखो स्ट्रेट ना खेल जाए, ये ऑप्शन कोई मार रहा है, रन रन रन, एक से ज़्यादा नहीं, ऑड नंबर लेना है, ऑड नंबर, चार रन भाई की बदल रहा है। पिछला ओवर 11 रन देके गया था, यहाँ पे 2 में 8 मार गए हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि 11 के तो ऊपर ही रहेगा। पिछला ओवर इनका रहा था कुछ 12 रनों का, हाँ 12 रनों का ओवर रहा था, लेकिन 2 विकेट झटके थे, तो वो 12 रन अच्छे लग रहे थे, अभी ख़राब लग रहा है, 12 रन आ गए 3 गेंदों में। इम्पॉसिबल है रोकना यार, इतना अच्छा टाइमिंग टेक्निक से खेल रहा है बंदा, इम्पॉसिबल है, आप मार ही नहीं सकते यार यहाँ पे, मतलब रोक नहीं सकते, मार तो सकते ही हो। फ्लाइट कराने की इच्छा है, 14 रन ओवर से आ चुके हैं, कैच का चांस है, अरे दिख नहीं रहा, लेकिन अबे रोक ले मेरे भाई, रोक ले, अबे कैच ड्रॉप कर दिया तेरी तो, अरे यार एक तो स्ट्राइक तो चलो छोड़ो अभी यार, एचपी वर्सेस केपी करने ही नहीं दिया तुमने, चलो कोई नहीं, अभी अगली गेंद पे छटको यार विकेट, क्या किया जाए यार। एजिस यस, गैप में चौका, 95 रन्स यहाँ पर टोटल इस ओवर में आ गए, 18 रन। पिछला ओवर ऐसा रहा था, लगा था कि भाई अब तो ये टीम की 6-7 विकेट गिर जाएगी, यहाँ पे विकेट छोड़ो मतलब मौका, बस ये दूसरा मौका बना है 12 में, और लॉफ्टेड खेल खेल के बहुत ही अच्छा कमबैक गुजरात टाइटंस का। 136 बन सकते हैं, अंश कह रहे हैं भाई देखो बन तो सकते हैं, अब आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 3 ओवर का गेम प्ले बाकी है, बिश्नोई आ रहे हैं गेंदबाजी करने, और अरे आराम से बन सकता है यार, नहीं 2 ओवर बाकी हैं, तब तो टफ है यार 41 रन करना है। और फर्स्ट बॉल फील्डर नीचे तो आ रहा है, पर रोक पाए तो मतलब है, बॉडी पे लगा भाई, होल्डर बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं, उतनी दूर से वो आएंगे नहीं गेंदबाजी करने, तो सॉरी मैं अभी बिश्नोई से गेंदबाजी करा रहा हूँ, बहुत देर से कमेंट भी आ रही थी बिश्नोई को लाओ, फाइनली बिश्नोई आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश ही हुआ हूँ मैं, फर्स्ट बॉल क्योंकि जा चुका है 6 के पास, और दूसरा भी उसी दिशा में, दूसरी दिशा से कवर पर से 6 जा रहे हैं भाई, ये कहीं सही में 136 तो चेंज नहीं कर रही भाई, मतलब इस टूर्नामेंट में मुझे लग रहा है कि हार्दिक पंड्या विल बी द गेम चेंजर, ऐसे भी बहुत देर से वो आराम मूड में है। एजिस कैच ड्रॉ, क्या कर रहा है यार डिकॉक, ऑन द पेपर ये तुम्हारा दूसरा या तीसरा कैच है मेरे भाई, सही में ये दूसरा या तीसरा कैच ड्रॉप मार रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं यार, ओ माय गॉड क्या क्लीन हिट हो रहा है ये तो भाई सिखा रहा है कैसे खेलते हैं यहाँ पे, सही में कवर पर से कैसे मारा जाता है ये दिखा रहा है, किस टाइमिंग पे खेला जाता है, किस टेक्निक पे खेला जाता है। मैं अब बाउंसर डाल रहा हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन बचे नहीं, 18 मार चुका है ओवर में, 20 चाहिए था 136 के लिए ओवर में, और स्ट्रेट शॉट 6 रन, 24 रन रवि बिश्नोई के ओवर में, और हम लोग जो गुजरात टाइटन्स को थोड़ा सा कमजोर समझ रहे थे, अभी भी कमजोर है बैटिंग लाइन में भाई, थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन इन द एंड अकेले परफॉर्मेंसेस से गुजरात टाइटन्स का किस्मत बदल सकता है, ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे। लास्ट गेंद अगर चौका चला गया तो ये पूरी तरह से अनबिलीवेबल ओवर होगा, बिग हिट 4 रन यहाँ पे, टोटल 28 रनों का ओवर, 136 अगर करने हैं तो जीतने का मतलब, हाँ बैटिंग में अगर जीतना है इनको, ठीक है होल्डर आना चाहिए, मायर्स नहीं होल्डर, पागल हूँ क्या भाई, मैं इनको दूंगा, होल्डर विल बी द राइट चॉइस। 136 में सिर्फ 13 रन, मुझे लगता रोक लेंगे क्या, yep. सपने में रोकेंगे भाई, हो गया रुक गए भाई यहाँ पे 6, मतलब कह सकते हो भाई कि है ना गुजरात टाइटंस 2-3 प्लेयर के भरोसे ही खेलेगा, लेकिन फाड़ देगा सामने वाले की, देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर। वाह ये क्या हो गया यार इनकी बैटिंग को भाई, ये क्या क्या करके, ये मेरी आवाज चली तो नहीं गई भाई, माइक ऑन है लेकिन इसके अंदर तो कोई नहीं कोई सुन रहा मेरी बात,
अरे भाई क्या पिटाई हो रही है गंदी वाली यार यहाँ पे, छक्का छक्का चौका चौका। कमेंट आ रहा है, कमेंट तो देखो भाई, मैच तो देखो भाई, आप लोग मैच नहीं देख रहे भाई, आप क्या कमेंट कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। वाइड गेन 136 तो भाई बन गया 136, 9.3 ओवर्स में 136 कर चुकी है। एक रन करना है तीन गेंदों में, अगर खत्म। yes. भाई ये क्या डेविड मिलर क्या खा के आया है, बाप रे भाई। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्पिनर्स को पीटा है, दोनों को पीटा है, तेज गेंदबाज को भी लपेटे में ले लिया है यहाँ पे। पिछले तीन ओवर में तो मतलब झंडे गाड़ दिए, और ऐसी कोई गेंद नहीं है जो मैंने ट्राई नहीं की। चलो स्लोवर नहीं सर, तेज ही और करा है। व्हाट अ मैच, चार रन इस पर भी, किस्मत का भी साथ है, जो भी है भाई यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर खेलते हुए 50 प्लस लगा दिया है। 17 गेंदों में 300 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके 5 छक्के, 30 और 20 भाई सारे रन 50 के, और 50 रन तो इन्होंने चौके छक्के से मारे हैं। स्लोवर और कर, चार गेंदें हो गई हैं, 23 रन दे चुके हैं, पिछला रिकॉर्ड तोड़ने के बहुत करीब है। yep. स्लोवर था, दब गया शॉट, बॉटम आ गया। अब लास्ट गेंद पे अगर चौका मारता है तो पिछला ओवर कवर हो जाएगा। रवि बिश्नोई ने 28 दिया था, इन्होंने 5 में 24 दिया है। ये लास्ट गेंद पे डिसाइड होगा कि क्या है। मैं पैरों पे गेंद दे रहा हूँ, ठोकम ठोकाई चल रहा है भाई, गंदा वाला। अरे बाप, पैरों पे यॉर्कर थी, स्टंप्स ओपन किया, 6 रन मार दिया यहाँ पे हार्दिक पंड्या ने। पिछले दो ओवर में ज़्यादा स्ट्राइक मिली नहीं थी, लेकिन जब जब स्ट्राइक मिला है जम के मारा है यार। अनबिलीवेबल बैटिंग अंत के दो ओवर्स में, कुछ समझ नहीं आया भाई मुझे, सीरियसली समझने का मौका नहीं दिया। तीन ओवर में गेम ही पलट दिया, ऐसा लग रहा था कि 7 विकेट तो हम लोग लेंगे ही लेंगे, और 136 सपने में भी नहीं मार सकती गुजरात। और जो बैटिंग की है ना, मेरे ख्याल से मेरे सामने अग्रेसिव बैटिंग में ये सबसे टॉप लिस्ट में जाएगा। और क्या क्या, ये देखो ये सब अभी खत्म, ट्रेलर नहीं है तो उनकी 50 का है, अब यहाँ पे खत्म हुआ है। हाँ कितने मारे, कैलकुलेशन बिगाड़ दिया मेरा इन्होंने, 8 बॉलों में 40 मारे पंड्या ने भाई। मेरे को लग रहा है ये गेम सुनता है मेरे को, इसको हिंदी समझ में आता है। तो मेरे ख्याल से इसको मजाक पसंद नहीं है इस गेम को, मतलब जब भी मजाक करो, मैं तो भाई ऐसे ही मजाक कर रहा था कि केपी पंड्या को कर देंगे, सबको हरा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, खत्म भाई गेम। वन साइडेड मतलब ध्वस्त कर दिया मेरा सारा प्लान, सारा चौपट सब कुछ। शाउट आउट ले लेते हैं फटाफट जो नाम है, एटलीस्ट विदाउट स्पैम वाले। ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन में आते हुए इंसान ए टू जेड, रुत्रवेश, लनप्रे, जिगर, अंश, जॉयल, चंदन, डॉक्टर पंकज और आराध्या, शुभम सेन गुप्ता। शुभम कह रहे हैं बदला लेंगे, हाँ भाई इंसान ए टू जेड, ओम त्रिपाठी, रोशन, आयुष, शौर्या, नील, X8K20, अरविंद, जोशी, आयुष, लाइट, रवीश, रोर, रक्षित, शौर्या, आदिल, पारुल, गुलशन, लाइट, TIT, RK, पवन। मुझे हंसी भाई पता है किस बात पे आ रही है, स्मार्टी, पावर, CS, अनस, पारुल, जंगल, वी, अर्चना भाई, बढ़िया भाई। मैं ये बात बिल्कुल कबूल करूँगा, 54 पे 3 विकेट गंवा देने के बाद 100 रन मारे हैं, और ये 100 रन लगे हैं सिर्फ 25 गेंदों में। आप नहीं, हाँ 27 गेंदों में 100 रन मारे हैं। हाँ वो भी आप एक दो गेंदें काउंट मत करो, क्योंकि डेविड मिलर शुरू की गेंदों में धीरे खेले थे, तो अंत की ही ओवर्स में पिटाई की है जम के। 154 का टाइम दिया है चेस करने को, और अब ये देखना है कि लास्ट टाइम मैं बता दूँ 76 रन से हारा था, क्या नाम, 76 रन से गुजरात हारा था। अब देखना है कि गुजरात कितना रन डिफेंड कर पाता है। लखनऊ आ रहा है बैटिंग करने, मेरे पास 10 ओवर का एक्सपीरियंस है, अगर यूज़ कर गया मैं तो मुझे लगता है कि मैं 100 वॉ के आसपास मार सकता हूँ। 154 तो भाई काफ़ी मुश्किल होने वाला है। मोहम्मद शमी आ रहे हैं, 6 मैचों में 3 विकेट इस फॉर्मेट में, शायद छोटे फॉर्मेट में।
ठीक है, केएल राहुल इज हियर, 60 में 154, पहली गेंद ही बाउंसर, उस पे बीट, 138 का पेस, ये तो ज़्यादा हो गया भाई, मतलब 138 भी 148 लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं मेरी उंगलियाँ लॉपटेड और ग्राउंड दोनों पर हैं, डिपेंड करता है कैसी गेंद आ रही है। ये चार, पता नहीं भाई, भरोसा नहीं है, दौड़ाता रहूँगा मैं। अरे वाह, ये रोक लिया इसने तो, तीन रन ले रहे हैं, रनिंग सही करियो नहीं तो बहुत बड़ा दांव हो जाएगा, तीन रन। एक्चुअली पता है मेरे से गलती हुई थी पिछले मैच में, मैं रनआउट हो गया था यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है मुझे कि ये गलती मेरे से ना हो, नहीं तो मतलब बेकार है भाई। एक सेकंड में एक चीज़ बदल दूँ यहाँ पर। पोल की बात करूँ भाई तो 60% लोगों को ऐसा लगता है कि क्या नाम है, अगर आप कप्तानी की बात करते हो तो हार्दिक पंड्या एक अच्छा ऑप्शन है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी यहाँ पर कि हार्दिक पंड्या को मतलब जो चुना है गुजरात ने, वो बिल्कुल सही चुना है मेरे ख्याल से। ठीक है, लेट्स प्ले। क्विंटन डिकॉक इज हियर, लेट्स सी। शमी बहुत ओरिजिनल लग रहे हैं। शमी है भाई, अब ये देखो फील्डिंग की कमी है, पीट दे भाई, पीट दे, पीट दे, पीट दे, पीट दे। yeah. 137 से 147 मिडल पे पकड़ाते हुए, अरे बाप रे, अनबिलीवेबल भाई, गेंदे कर रहा है बंदा। अरे काय का डीआर वो नहीं लेना भाई, रिव्यू, ये क्या बकरा बनाया भाई, कितना ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया मैं, मुझे लगा छक्के से कम तो लगेगा ही नहीं कुछ इस गेंद पे। काइल मायर्स आने, एक बार रिप्ले दिखाता हूँ। अनबिलीवेबल पेस, 147, बिल्कुल समझ में नहीं आई गेंद, मिडल पे पकड़ा है एकदम भाई, सेंटर टच होगा, ये देखो एकदम मिडल पे इंपैक्ट हुआ है, विकेट अंपायर कॉल रहता हुआ, लेकिन ठीक है भाई, अब कोई बात नहीं, आउट तो होते ही यहाँ पे, गुजरात को पीटने को कह रहे हैं भाई। कोशिश की पहली गेंद पे, मात खा गए हम लोग, अगली गेंद की तैयारी है। पूरी हेलमेट पे लगी है, ये आइडियल टाइमिंग है, पता नहीं क्या है पर हेलमेट पे लगी, एक बार रिप्ले दिखाता हूँ, बहुत गंदी लगी है चोट, बहुत गंदी वाली, थोड़ा सा स्लो कर दे, कहाँ लगी, कहाँ, कहीं अलग ही आवाज़ आई, लोहे का कुछ टकराया, अच्छा साइड वाला टकराया, ठीक है, इतना तेज गेंद है ना कि स्लो मोशन में भी दिख नहीं रहा, ये देखो साइड की जो ग्रिल होती है, ग्रिल पे टकराया यहाँ पे। शॉट थोड़ा बहुत जल्दी आ गया था मैं ऊपर, जनरल टाइमिंग, चार चार चार, ये चार है, बढ़िया। केएल राहुल इज स्टिल हियर, भाई उम्मीद मत खो आप लोग, हम लोग अभी जिंदा हैं भाई, लखनऊ के चांसेस हैं, अभी जीतने के लिए कितने करने हैं, 55 में 146, मतलब 15 रन पर ओवर करने, लास्ट टाइम 14 रन थे, इस बार 15 रन है। एजेस, गंदी वाली, टाइमिंग सेट नहीं हो रहा, आज पहली बार पता है मैं कैसे खेल रहा हूँ, जैसे कि हम RC20 और WCC खेलते हैं ना, आज मैं पहली बार वैसे खेल रहा हूँ कि गेंद कहाँ पे जाता है तब मुझे टच करना है, मैं हर बार बस ऐसे ही खेलता था अपने सिक्स सेंस से, पहली बार मैं ये देख के खेल रहा हूँ कि गेंद कितनी दूरी पे जाता है तब आपको शॉट लेना है। इस गेंद पे लगभग आधे के पार निकल गया था तब मैंने शॉट लिया है, हाँ ये शॉर्ट पिच थी इसलिए साइड चेंज कर दी, चलो अच्छा डिसीजन, फिर बाउंसर आ रही है, एजेस में फंसे, खत्म गेम भाई। ये डिफिकल्टी सीरियसली बहुत ज़्यादा ओपी है, लेकिन मैं चेंज नहीं कर सकता ये डिफिकल्टी अभी इस वक्त इस लाइव स्ट्रीम में, हम अगले मैच में देखेंगे जब करेंगे कोई गेम पे, इस वक्त तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये समझने वाली बात है भाई, दोनों टीमें सेम सिनारियों में खेल रही हैं, तो ये हम नहीं करने वाले, कल हम अगर ऐसा होगा तो किसी और टीम का कंपेरिजन करेंगे, आप लोग अभी नहीं डिस्कॉर्ड पर कमेंट कर देना, या मैं बाद में पूछूंगा इंस्टाग्राम पर या कहीं पर, तो वहाँ पे आप कमेंट कर देना, जैसे CSK वर्सेस MI या फिर RR वर्सेस पंजाब या फिर दिल्ली वर्सेस KKR, जो भी हैं, मतलब 10 टीमें हैं तो 5 कंपेरिजन वीडियो हो सकते हैं। मनीष पांडे इज हियर, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन ना बैटिंग बॉलिंग ऑर्डर भी सेम रहेगा, नहीं तो हम एडिट करते रहेंगे बार बार। KL राहुल 51 में 143, बाउंसर, फिर बाउंसर यार, कैच का चांस बन सकता था, ए, बॉलर पे दे रहा है थ्रो, ओ बाप रे, इस बार संभल के, सुबीर कह रहे हैं इस बार संभल के खेलना है, यस भाई संभल के ही खेल रहे हैं, लेकिन जजमेंट में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, अभी राइट ही खेल रहा है, ठीक है, बाउंसर बहुत डाल रहा है यार, ये क्या हुआ है इसको भाई, फर्ग्यूसन को हद से ज्यादा बाउंसर, गजब भाई, अलग ही लेवल का कुछ,
इतनी बाउंस से जल्दी नहीं डालते, ये गेम के लॉजिक में कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। मैं बाहर निकलता हूँ तो गेम गई, मैं बाहर निकलता हूँ तो एजिस लगेगी, ये पक्का है। और पेस इतना चेंज हो रहा है, 140 से 145 के बीच में इतना डिफरेंस हो जाता है कि पूरा गेम ही चेंज हो जाता है यहाँ पर। सही है, थोड़ा टाइम लगेगा इस डिफिकल्टी को समझने में। दीपक हुडा के साथ जा रहे हैं हम लोग। गैप्स मुझे कहाँ दिखाऊँ, मुझे कवर पे थोड़ा बहुत दिख रहा है, थोड़ा बहुत पॉइंट कवर के बीच में दिख रहा है। चल राहुल इस वक्त फिर बाउंसर, भाई तुम्हारी बाउंसर की ऐसी की तैसी मार भाई चौका। राहुल भाई तुम ही सारे हैं, तुम्हारे सारे ही हैं हम लोग। अरे 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 रोक लिया, अरे बाप रे, अंत तक कुछ भी हो सकता है इस गेम में। तीन रन। 7 गेंदों में 13, यही तो एक बंदा है जो खेल रहा है भाई सही ढंग सा। अभी स्पिनर्स तक वेट कर ले मेरे भाई, गेम इज ऑन है। फिर बाउंसर मत डालना अबे यार। अरे वो गेंद ही इतनी डेंजर है कि भाई आप अगर निकलोगे तो भी खत्म हो जाएगी गेम यहाँ पे। अभी लेट कट का मूड बना है, देखो अभी क्या होता है यहाँ पे। ये यॉर्कर आई है, मैं स्ट्रेट ले रहा था, लेट शॉट पड़ गया। गैप कहाँ बनेगा, पॉइंट पे लेट कट में बनेगा क्या? कवर पे लॉफ्टेड लग सकता है, मिड ऑफ पे लग सकता है, अगर थोड़ा सेंटर में आए गेंद। बैक फुट क्यों खेल रहा है मेरे भाई, फ्रंट फुट। या अभी मिड विकेट पे मौका है भाई, मार ले मार ले। ये तो भाई गेंदबाजी, एक्चुअली गेंदबाजी इनकी ज्यादा हैवी हो गई गुजरात की। मोहम्मद शमी क्या करके आए, 148, कुछ दिख नहीं रहा भाई गेंद। विजुअल इतना हाई किया है ना मैंने, सर 80 के आसपास है विजुअल, और बहुत तेजे आ रही है गेंदे। बाप रे, अर्ली जा रहा है इस बार टाइमिंग, 141 का पेस होने के बावजूद। मैडन जा रहा है ओवर साइड मेरे ख्याल से, नहीं 3 रन आए हैं, वाइड भी डाल देते, ठीक है एक ही बार आया रन। खत्म। बाप रे, गुजरात ने रिवेंज ले लिया भाई यहाँ पे, अरे भयानक वाला रिवेंज है। अभी ऊपर से फर्ग्यूसन भी बाउंसर डालते हैं। इतना डिफिकल्ट तो मैंने नहीं खेला भाई, दिस इज द टफेस्ट डिफिकल्टी आई एवर प्लेड। लेट कट लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा AI लगाता है शॉट, जितना अच्छा आज के दिन लखनऊ गुजरात ने लगाया है उतना अच्छा नहीं है। थोड़ा और लगता है रूम देना पड़ेगा, और ज़्यादा क्लोज आने का। चल लेग साइड खाली भाई, मार ले, पूरा स्क्वायर फाइन लेग है ही नहीं, हिट कर दे उधर। यॉर्कर रखने की, यॉर्कर अगर आप सोचते भी हो ना भाई यहाँ पे, अगर आप यॉर्कर गेंदों पे हिट करने की सोचते भी हो, उससे तेज तो गेंद आ जाती है। चैलेंज दे रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या होगा भाई डिसीजन, लगा तो लेग साइड पर है। अब देखो भाई क्या डिसीजन निकल के आता है फर्ग्यूसन पर। बहुत अच्छी गेंद यार, ये लखनऊ से ज़्यादा अच्छा तेज गेंदबाजी लाइनअप है इनका। लखनऊ का वीक था, इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है, तो मौका ही नहीं दे रहा कुछ। यॉर्कर जो मैं पिछली गेंद पे ग्राउंड शॉट मार गया, कुछ भी मार के खेल जा रहा था, इस पर तो लग भी नहीं रही गेंद नहीं इनके में, अलग ही लेवल का। अरे आउट है भाई, आउट है, आउट है, आउट है, खत्म, गेम इज ओवर, गेम इज ओवर भाई, गेम इज ओवर, चांसेस खत्म भाई हमारे सेलिब्रेशन के। एम्पायर्स कॉल रहता है, DRS बचेगा आपके, लास्ट टाइम भी ऐसा ही रहा था यहाँ पे, पर देखो अभी क्या होता है। आउट, ये आउट दिया गया है, अच्छा हाँ एम्पायर कॉल तो आउट था ना। जेसन होल्डर आ रहा है, 17/4 लखनऊ सुपर जाइंट्स। फिर बाउंसर यार, ये एम्पायर कर क्या रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई। वाइड दे दे, नो बॉल दे दे। दूसरी दिक्कत ये है कि बंदा स्लिप लगा दिया है, तो मैं स्लिप में भी नहीं खेल सकता। ऑफ साइड पर आ रही है दूसरी गेंद, शॉट लिया है किसी तरह से, वापस जा गया, खत्म, बच गया। मैंने कहा ना कि जब भी थर्ड एम्पायर जाता है समझ लो आउट है, इस बार थर्ड एम्पायर गया नहीं इसलिए बच गया। लास्ट टाइम 3 रन आए थे, अभी यहाँ पर 1 रन आया है 4 गेंदों में, विकेट भी खोया है। शॉट बहुत अच्छे, ऐसे शॉट लो यार तो मजा आता है। खेल राहुल, शॉट्स तो भाई मुझे कहीं दिख ही नहीं रहे जो 4 वाले लग रहे हो। फ्रंट फुट पे ही खेला है 4 रन, फ्रंट फुट पे ही खेला है 4 रन।
केएल राहुल ओपी खेल रहे हैं मतलब सेम सिनेरियो में मैं खेल रहा हूँ केएल के साथ और बाकी प्लेयर के साथ, लेकिन केएल के सामने सब फ्लॉप हो जा रहा है। हाँ भाई मस्त ओवर है ये, इसको वसूल कर लो तो पूरा मैच वसूल है आपका। शॉट, मिडल की गेंद, अनऑर्थोडॉक्स शॉट, चार रन। अब आएगा ना मजा बिडू भाई। देखो तेज गेंदबाज तो लखनऊ के वीक साबित हो गए हैं गुजरात के सामने, 26 पे चार गिरा दिए स्पिनर्स ने, उनमें अवेश खान अच्छे थे। शॉट, बहुत ही अच्छा चार रन यहाँ पे जेसन होल्ड। और मैं जिस गेंद पे खेल रहा हूँ ना, अगर पैरों पे चिपकी तो भैया आउट हो, अब DRS लेने का भी मौका नहीं मिलेगा आपको। इतना 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 डेंजर गेंद आ रहा है ये वाला। जेसन होल्डर 5 में 9, फिर से टाइम मार गया। चलो ठीक है भाई, वो मार गया मार गया, दो रन ले रहा हूँ ऊपर से, बहुत ही अच्छा दो रन निकाल लिए भाई। सवाल ये है कि क्या 76 रन से ज़्यादा की डिफीट मिलेगी, क्या लखनऊ को, मतलब मान लो अगर लखनऊ हारता है तो क्या लखनऊ 76 से ज़्यादा रन की डिफीट लेगा कि कम डिफीट लेगा, ये एक सवाल है आज के दिन का। स्लो डाल रहा है, बहुत स्लो डाल रहा है, 85 है लेकिन बहुत स्लो डाल रहा है यहाँ पर। ऊपर से लेग स्लिप लगा के रखी है भाई, मेरे पास शॉर्ट्स रेंज है ही नहीं। मैं अगर, चलो देखता हूँ कहाँ से मारता हूँ, मैं तो गैप के मूड में हूँ भाई, गैप के मूड में, नहीं मिला। शॉर्ट सही आ रहे हैं, टाइमिंग सही ठीक ठाक आ रहा है, मिडल पर आ रही है गेंद, पर वही है। और हर गेंद पर अब चार रन चाहिए, बताएं 400 हो गया ऑलमोस्ट, 400 का स्ट्राइक रेट चाहिए तब आप जीतोगे, अगर चार मारते हो लगातार 30 बार, एक रन। खेला अच्छा लेकिन देर किया है आपको, इस ओवर में 24 रन करने थे, आपने 12 किए थे, बहुत कम रहा है रन। KL राहुल पहली बार आउट, खत्म, पैर बार, खत्म। इसी तरह से लिखा था आउट होना यार तुम्हारी किस्मत में, गलती, आउट है बॉस। अभी 130 रन चाहिए, क्या लेफ्टी आए हैं। अरे यार फील्डिंग सेटअप तो बहुत कड़क लगा है, मतलब देखो शॉट। अबे ये कहाँ से बीच में आ गया, अद्दाई मार हट गए। अरे फील्डिंग दे ही नहीं रहा भाई वो, मतलब KL राहुल से अच्छे कप्तान साबित हुए इस गेम में कहना पड़ेगा ये बात। गैप शॉट, रिवर्स स्विप, लेट शॉट जा रहे हैं, थोड़ा अर्ली खेलो, पेस कितना 85 ठीक है। जयंत यादव सरप्राइज फैक्टर साबित होते हुए हमारे लिए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पैरों पे कैच का कॉल, आउट दिया है एम्पायर ने। अब मेरे को मन में दुविधा है कि DRS लिया जाए कि नहीं, क्योंकि मैं क्लियर हूँ नहीं कि कहाँ लगी है, लेकिन मैं अपोज नहीं कर रहा, DRS नहीं ले रहा है यहाँ पर। हम देखेंगे कि कहाँ लगी है, लगभग ग्लव्स का हिस्सा, जिसन होल्डर आउट हुए, कृष्णप्पा गौतम आ रहे हैं, बस फिर से रिप्ले देखेंगे हम क्लोज से थोड़ा, क्योंकि मुझे ये जानना है कि एक्चुअली में कहाँ लगी है गेंद। भाई ये तो थोड़ा सा, ये नॉट आउट था यार, ये तो DRS लेना चाहिए था भाई, यहाँ लगी है गेंद, ये देखिए क्या होता है, ये आउट होता है कि नॉट आउट होता है, मेरे हिसाब से तो नॉट आउट होता है। गौतम के पास मौके हैं कुछ रन बनाने के, अबे भाई किस्मत देखो उनकी, ऑफ साइड वाइड यॉर्कर डाली जा रही है यहाँ पर, LBW का आउट नहीं है भाई, कैच का आउट है, खुद भी कंफ्यूज, मुझे भी कंफ्यूज भाई, ये अच्छा है मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया भाई कि क्या है, लेट कट, मुझे लग नहीं रहा था लॉफ्टेड मानना चाहिए, ग्राउंड शॉट लिया जा रही है। 24 गेंदों में 10 कितना होता है, 34 रन भाई, 24 गेंदों में मुझे 34 रन चाहिए अगर लखनऊ को, गुजरात को AI वर्सेस AI मैच में हराना है तो। बढ़िया शॉट, बढ़िया गैप है, दो हैं क्या, नहीं है भाई, यहाँ एक नहीं आ रहा मुश्किल से। कमेंट आ रहा है नॉट आउट, सने और वैभव कह रहे हैं नॉट आउट था भाई, हाँ मुझे, मैं मेरे हिसाब से भी वो नॉट आउट था, DRS लेते तो पता नहीं क्या आता, एम्पायर कॉल होता होगा उसमें भी। स्ट्रेट शॉट, वही बात है कि यार दो वाली बात नहीं बन रही,
उसका एक रीज़न है, मैंने जो अग्रेशन बढ़ा दिया ना भाई, 50 के अग्रेशन से खेलता था एआई मेरे सामने, मैंने उसको बढ़ा के कर दिया कितना, 90 में ऐसे ही खेलता है एआई। एक्चुअली मैं जैसा खेल रहा हूँ ना, चार अगर नहीं जाता है तो भी मेरे को लगता है दौड़ के मैं ले लूँगा, दौड़ के ले लूँगा। रुक जा और रोक लिया, सही में रोक लिया, मैं दौड़ के चार नहीं ले पाया, तीन ही ले पाया हूँ। बाप रे यार, सरप्राइज कर रहा है यार, यहाँ तो गेमर्स कह रहे हैं उसके हाथ में घुस गई गेम भाई, इसलिए भी तो नॉट आउट था, शरीर के अंदर से नहीं शरीर के बाहर के हिस्से से आउट होता है। चार तो पता नहीं कर पाएगा कि नहीं, 76 चीज। अरे रोक लिया, इसको भी रोक लिया भाई, फील्डिंग के मामले में गुजरात ओपी निकलता हुआ, जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ मैं तो। थ्रो बहुत गंदा भाई, लेकिन थ्रो बहुत गंदा, चार रन दौड़ के ले लिए, कोई मतलब नहीं फील्डिंग का, फिर बराबरी पे आ गए। रिक्वायर रन रेट है पर गेंद पे 6, पर गेंद पे 6 मारो तो जीत हो गया, जिसके चांस ऑब्वियस सी बात है बहुत ही कम है। एक्चुअली छक्का लगा भी नहीं है लखनऊ से, अरे लग गया 6 ही लग गया। हाँ भाई लो, छक्का लग गया, यहाँ गुजरात ने मारा था एक, इसलिए नहीं, हाँ गुजरात ने मारे थे कुछ छक्के, तो यहाँ पर लखनऊ ने भी शुरुआत कर दिया, पहला सिक्स लग गया है। कृष्णप्पा गौतम यहाँ पे, दूसरा सिक्स यहाँ पर, और ये परफेक्ट आइडियल टाइमिंग से खेला हुआ है। गौतम भाई नहीं छोड़ रहे, रशीद खान को पकड़ लिया है भाई, दो छक्के बैक टू बैक। अभी मेरे पास भाई देखो मौका तो है नहीं, शॉट ये तेरी यहाँ पर भी डाइव। पॉइंट कवर भाई, वीडियो देखोगे आप तो पता समझ में आएगा 76 क्यों चाहिए। अभी के लिए तो हमें 76 करना है, आइडियल टाइमिंग आइडियल फुटवर्क भाई, लॉपेट खेल लेना था भाई। देखो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन गेंद मिडल पे आती है तो डर लगता है। ये पैर जमीन पे है इसलिए बच गए, अगली टाइमिंग जा रहा है। लिया बहुत बड़ा स्विंग था, बैट स्विंग बहुत ज़बरदस्त था, बहुत बड़ा वाला, कुछ बना नहीं लेकिन शॉट वॉट भाई, ले ले लॉपटेड, ले 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 बिंदास आइडियल सिक्स। जयंत यादव को पहली ओवर में 5 रन और यहाँ पर 6 खाते हुए शॉक हो गए होंगे कि भाई ये 6 कैसे मार गया भाई। पंड्या ब्रदर्स हैं यार ये, IPL 2022 पंड्या ब्रदर्स के लिए अच्छा रहने वाला है, ये वीडियो का रिजल्ट आ रहा है। एक्चुअली एक ही छक्का मारा है, ये कौन सा शॉट, ये भी जा रहा है 1-2 बाउंस बाउंड्री। बाप रे भाई, जैसे एआई ने खेला था एग्जैक्ट हम भी वैसा ही खेल रहे हैं। हाँ उनके जितना अच्छा नहीं खेल पा रहे, क्योंकि उनके लिए डिफिकल्टी थोड़ी सी आसान थी। देखना पड़ेगा क्या है भाई, 6-4 के पंड्या का लास्ट गेम, वो देखो हार्दिक पंड्या खड़े हैं पीछे, हार्दिक नहीं, हाय आ गया, केपी वर्सेस केजी आ गया। यप एजेस बॉटम, अरे यार 6 था भाई, ये 4 रन और चाहिए भाई, बैटिंग में लखनऊ जीतता हुआ, 4 रन और। यार ये तो अच्छी कर रहा है यार, तेज गेंदबाज अच्छी कर रहे हैं, पता नहीं कैसे पेस बहुत आ रहा है ना, दिक्कत वो है, मैं टाइमिंग सेट है नहीं इस पे विजुअल पे। और बॉल क्वालिटी बढ़ी है, लेकिन स्पिनर्स की तो पिटाई हुई है, स्पिनर्स यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे, तेज गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी भाई, बहुत अलग। एक सेकेंड भाई, मैं इसी बात पर देखते हैं। ठीक है, गैप में ढूंढ रहा हूँ लेकिन कनेक्शन नहीं बन रहा, एक भी बैट का कनेक्शन बॉल से नहीं बना है प्रॉपरली, 3 गेंदें डॉट जा चुकी हैं अर्ली। अरे कुछ ये क्या हो रहा है यार, ये तो अनफेयर लग रहा है मेरे को, अनफेयर लग रहा है पूरी तरह से भाई, खुद ही देख लो भाई, मतलब आप आई सेट रख रहे हो तो आई सेट बनी नहीं रही, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना होगा मुझे इस चीज़ का, ये जो भी सेटिंग्स है एक नंबर की वाहिया सेटिंग्स है।
खड़ा है एक स्टंप्स और प्लेयर जाएगा बाहर, उड़ा दिया है मिडल और लेग को गौतम की इस, गौतम के पास जवाब ही नहीं इस गेम का। हार्दिक पंड्या बोल्ड करते हुए मार्कवुड, अवेश को भेजो, अवेश को भेजो भाई, ये तो बहुत टफ कर दिया इसने। 6 गेंदों में 7 गेंदों में 4 रन करना है, 5 करने होंगे एक्चुअली, बराबर करेंगे तो मतलब नहीं है। विकेट यहाँ पर बकरे पकड़े और पकड़े, पंड्या ब्रदर्स यहाँ पे एक दूसरे के सामने नहीं थे, बोल्ड हुए थे इसलिए। अवेश फर्स्ट बॉल पे ही आउट होते हुए यहाँ पर, नॉकआउट के चक्कर में पॉइंट पे आउट हुए हैं। 4 रन चाहिए 6 गेंदों में अगर पिछली इनिंग से हराना है एआई को तो, और अगर लास्ट ओवर तेज गेंदबाज करने आ गया मुझे नहीं लगता कि आसानी से रन बनेंगे। 2 विकेट आपके पास हैं, गेम चेंज होगा, स्पिनर आ गया भाई खत्म तक तो, पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं हूँ। अगर वाइड यो दो 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 एक्चुअली लेफ्टी को आंदे भाई, रन मत ले मत ले मत ले, ऐसे भी है भी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैडन ओवर गया ऐसा नहीं कह रहे भाई, हाँ गंदा वाला मैडन। बिग हिट, ये पंड्या ओपी है यार, 6 रन पंड्या ओपी भाई। बैटिंग में लखनऊ जीत गई है, बॉलिंग में जीटी जीत गई है, तो लखनऊ इज़ बेटर इन बैटिंग बट नॉट गुड इन बॉलिंग, उल्टा आया है जीटी का। जीटी यहाँ पे बॉलिंग में अच्छा है, बैटिंग में वीक साबित हुआ है। अरे बाप रे, सेकंड सिक्स स्पिनर्स आसान है, इन लोगों को बंद क्यों कर दिया है सामने, कुछ ऑडियंस को बंद करके रखा है, खाली हाथ कर दिख रहा है उनका, पता नहीं क्या है, हाथ ऐसे 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 कुछ कर रहे हैं बेचारे, ये देखो अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है जब 2-6 भाई, अरे यार पहली गेंद खेलने दी होती तो मजा आ जाता। फिर लॉफ्टेड, 2 तो लूंगा ही, ऊपर से निकल जाए यार, ऊपर से निकलना था यार, ऊपर से निकलना था यार, ये गलत है, ये अनफेयर है भाई, ऊपर से निकलना था। कुणाल पांड्या, अरे रे रे, दो 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 दो, तीन 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 तीन, मत लो यार, लास्ट गेंद देखते हैं क्या होता है। तेवटिया 17 दे चुके हैं 5 गेंदों में, डिफीट का अंतर काफ़ी कम किया है, लेकिन वही है कि बैटिंग में भी बॉलिंग में थोड़े ज़्यादा हो गए थे, तो 76 की हार मिली थी गुजरात को। ए यार एक तो लूंगा ना, दो भी ले सकते हैं भाई, ले 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 ले, आउट तो आउट, अरे यार चलो ठीक है, अरे मिस हो जाता शायद रन आ जाते यार, 9 विकेट गए हैं भाई, तो 63-62 की हार आई है, तो गुजरात बैटिंग करने आया 76 की हार मिली, लखनऊ बैटिंग करने आया 62 की हार मिली, ऑल आउट समझो लगभग 1 विकेट बाकी था इनका, बच गया 1 विकेट, तो काफ़ी हद तक क्लोज रहता हुआ मैच यहाँ पे, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टफ, बहुत ही ज़बरदस्त रहा है कंपटीशन दोनों टीमों का, एक नहीं दोनों का। ये तो आउट ही है भाई, ये तो देखना ही बेकार है, कितने से जीता वो देखना है, 62 की 63 की क्या हुआ है वो देखते हैं। गौरव लेहुआ भाई, थैंक यू गौरव लेहुआ का सपोर्ट करने के लिए स्ट्रीम को, 20 रुपीज़ सुपर चैट के साथ। टाइटन्स 1 by 61 runs भाई, 61 रन की जीत आई है यहाँ पे। अब भाई बात करो क्रिकेट 22 RC22 की भाई, हाँ आज दोपहर, आज 7-8 बजे के आसपास आएगा RC22 का ट्रेलर। ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी बात पता है, तो अगर ये कमेंट के लिए स्पैम कर रहे थे तो आप भाई एकदम पोगो वाले बच्चे हो, मतलब बार बार स्पैम कर रहे थे भाई, सबको पता है भाई, हमारे डिस्कॉर्ड पे भी कल सब लोगों ने बोल दिया एक दूसरे को, मेरे को मैसेज भी आ चुका है, सबको मालूम है भाई कि RC22 का ट्रेलर आएगा, तो स्पैम मत करो भाई, मतलब कर अब तो क्या, अब तो ख़त्म हो गया, अब तो करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ इस तरह का रहा है भाई दोनों मैच। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, 10 टीमें हैं, आज हमने 2 टीमों का किया, कल हम फिर 2 टीमों का करेंगे, परसों फिर हम 2 टीमों का करेंगे, फिर मेरे ख्याल से मैच आ रहा है उसका, इंडिया श्रीलंका का मैच है, कब है, 4 से 8 मार्च है, मतलब आज हो गई 2 मार्च ना, 3 मतलब कल ही कर पाएंगे, फिर परसों तो नहीं कर पाएंगे, अरे यार यही तो दिक्कत है, तो कल करेंगे, कल देखते हैं कौन सी टीम का करेंगे, मैं खुद ही डिसाइड करूँगा कौन सी है, क्योंकि कमेंट में से अगर हम लेंगे तो सब उल्टा सीधा हो जाएगा, तो मतलब नहीं रहेगा उसका। और प्लीज़ यार मैं फिर से बता दूँ, जिन लोगों को करियर मोड का गेम प्ले देखना है क्रिकेट 22 का, मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, हमारा T20 सीरीज़ हुआ है, आप मेरा बेस्ट नॉक देख पाओगे, बेस्ट नॉक मतलब
मेरे द्वारा खेला गया, मेरे द्वारा खेला गया सबसे बेस्ट T20 नॉक आपको अगली अगले करियर मोड के गेम प्ले में देखने को मिलेगा। वहाँ पे हम लोग लगभग 1750 के ऊपर लाइक हो चुका है, तो थोड़ा सा बाकी है यहाँ पे, तो देखो क्या बनती है बात। और हाँ कल कुछ ऐसा ही होगा, वो कौन सी टीम होगी पता नहीं, RCB वर्सेस कोई पता नहीं यार, मेरे पास 8 ऑप्शन है, 8 ऑप्शन में से कोई भी 2 कॉम्बिनेशन में ट्राई करूँगा, तो मुझे नहीं मालूम वो कौन सा होगा, कल ही पता लगेगा। लेकिन आज का स्ट्रीम में बता दूँ कल यही आएगा, मॉर्निंग में कल वीडियो आएगी कि नहीं उसका मेरे पास अभी जवाब नहीं है, क्योंकि वीडियो अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। करियर मोड रेडी है, मेरे को खाली बस पब्लिश बटन दबाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लाइक गोल पे डिपेंड करता है, तो मैं फंस चुका हूँ, उस पर अपलोड नहीं कर सकता। मेरी इच्छा है उसको अपलोड करने की कल, लेकिन लाइक गोल होगा नहीं पूरा, तो अनफॉर्चुनेटली अधूरा ही रहने वाला है वो। उधर बात कर लें अगर हमारे हाँ अच्छा WCC3 का लाइक गोल पूरा होने वाला है भाई, WCC3 में सिर्फ 80 लाइक बाकी है यार, कर दो फटाफट, 80 लाइक बाकी हैं सिर्फ, मैंने देखा ही नहीं हो तो यार, तो देखो क्या आता है भाई, उसमें मज़ा आ जाएगा अगर वो, मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मैंने किया नहीं है WCC3 का करियर मोड, तो आप फटाफट अगर लाइक कर देते हो भाई, 50 लाइक के आसपास बाकी है, तो मैं डालना पड़ेगा कल नहीं परसों आएगा, लेकिन आएगा पक्का जल्दी। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि RC20 का ट्रेलर आएगा, भाई RC22 का ट्रेलर आएगा शाम को स्ट्रीम करने को कह रहे हैं, भाई पता नहीं स्ट्रीम होगी कि नहीं होगी, एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ट्रेलर रैंडमली आएगा वीडियो में, मतलब कोई मैच है उनका, वो मैच जब होगा, वो फाइनल है उनका नेशनल का, तो वो जब फाइनल बीच में आ सकता है, हो सकता है, और ऑब्वियसली बात है वो लोग अंत तक ललचवाएंगे ही, तो मेरे को लगता है लास्ट हिस्से में आ सकता है वीडियो, तो शुरू में तो आएगा नहीं, अगर शुरू में आ जाता है तो अच्छी बात है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद अगर आ जाएगा तो मैं उसका एक रिव्यू कर दूंगा कि मेरा क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, क्या फीलिंग आ रहा है, एक वीडियो आ सकता है उसका, बाकी तो देखो भाई क्या आता है। भाई मैं सजेशन नहीं पूछ रहा भाई, कई लोग कमेंट करने लगे ये करो वो करो, भाई ये मत करो आप, अभी मैं आपको अपना शेड्यूल बता रहा हूँ, क्योंकि सपोर्ट ऑलरेडी डाउन ही है, तो मतलब नहीं रहता सजेशंस का, क्योंकि मालूम है कि नहीं होने वाला भाई, आप कुछ भी ट्राई करेंगे मोस्टली नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया भाई फंडा, WCC3 में 50 लाइक बाकी हैं और Cricket22 में 250 लाइक्स बाकी हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, Cricket22 ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा है, जब आएगा तो आप लोग तुरंत अगले दिन अपलोड कर दूंगा मैं, WCC3 मैं देख रहा हूँ भाई कब कैसे अपलोड करना है, तो जल्दी हो जाए तो मैं भी चाहता हूँ फटाफट कर लें यहाँ पर। बस अभी तो यही 2 प्लान है भाई, शाउट आउट ले लेते हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में, थैंक यू टू भाई शुभम सिंह गुप्ता सपोर्ट करने के लिए स्ट्रीम को एक बार फिर से। अरे मैं इतना दूर चला गया, कोई बोल भी नहीं रहा भाई, सेंटर में तो आ जा ठीक है सेंटर में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये ब्लर मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लग रहा है कि लग रहा है अच्छा, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, ब्लर इफेक्ट। कमेंट सेक्शन में है कौशल कंगद, गेम पैड YT फिनोमिनल, गुज्जू भाई, कौशल कंगड़ हैं, रोशन, सोहन भरत, मैं बैकग्राउंड में उसको बंद कर दूं गेम को, प्रवीण सूरी, क्रिकेट हु विन द मैच, दिव्यांशु आर्टिस्ट, रेखा फिनोमिनल, आवाश गेमिंग, नैनी हर्ष, सोहन भरत, प्रदीप घोष, ईशान खान, मित्रा, शाई वले, देव अग्रवाल, प्रवीण सूरी, सने जवेरी, गुलाम मोइनू, एहसान खान, निखिल फ्रॉम नेपाल, ओके सने जवेरी हैं भाई, गेमर स्टैक हैं, रेखा एंड्रोनाइट गेमर, रौनक सलगांवकर, बढ़िया भाई, तो हाल फिलहाल इतनी ही है मेरे ख्याल से लोग, बाकी तो मोस्टली स्पैम ही हो रहे हैं शाउट आउट एंड करते हुए। थैंक यू शुभम का एक बार फिर भाई सपोर्ट करने के लिए स्ट्रीम को। 2 दिन का ब्रेक लिया था हमने, और रीज़न मैंने फिर से बता दिया कि भाई रीज़न ये था कि हमारे पास कोई वीडियो था नहीं, कोई सीरीज़ थी नहीं जिसको मैं कंटिन्यू कर सकूं, तो अब हमें एक सीरीज़ मिल गई है कि कौन सी टीम बेहतर है Cricket22 में IPL 2022 के लिए, तो हमने ऑलरेडी देख लिया यहाँ पर क्या नाम है, गुजरात टाइटंस वर्सेस लखनऊ का मैच, उसमें बैटिंग में जहाँ पे गुजरात स्ट्रॉन्ग साबित हुई है,
नहीं, बॉलिंग में जहाँ गुजरात स्ट्रॉन्ग साबित हुई है, बॉलिंग में वहाँ पे लखनऊ साबित हुआ है स्ट्रॉन्ग। तो कुछ इस तरह का रहा है मैच। ऐसा ही चार कंपैरिजन वीडियो और आएंगे अलग अलग तरीके से, वो कब आते हैं कैसे आते हैं वो भाई इंतजार करना होगा आप लोगों का। ले रहा हूँ मैं विदा इसी के साथ, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टाटा, गुड डे। Thank you.